इतने सारे फल फूल वाह कमाल है भाई हाँ। सब शौचालय का आशीर्वाद है शौचालय शौचालय नहीं शौचालय वो भी दो गड्ढों वाला सात साल पहले मैंने इनसे कह दिया था शौचालय नहीं तो शादी नहीं और मैंने क्या जवाब दिया था दो गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं दो गड्ढे क्यों एक गड्ढा पाँच साल में भर जाएगा शौच करते करते उसके बाद को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोदू अरे दूसरी की क्या इसी को साफ करवा दो ना टट्टी तो है ये टट्टी नहीं है ये सोना है चीची। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर एक साल बंद रहेगा तो यही छींची सोना बन जाएगा यानी सोनखार इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ अब तो मैं भी बनवाऊंगा दो गड्ढे का शौचालय और ये भाभी जी को दो धरती का उपहार है मिश्रा शौचालय हो तो दो गड्ढों वाला आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट वन फिल्म के बारे में तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन एक दो हजार बाईस की भारतीय दिवासा की फ्रंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो अन मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है संवाद हुसैन दलाल द्वारा लिखे गए हैं और करण जौहर अपूर्व मेहता एस द्वारा निर्मित है जौहर नमित मल्होत्रा और मुखर्जी अपने पहले प्रोडक्शन में धर्मा प्रोडक्शन स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत स्टार स्टूडियो के सहयोग से रणबीर कपूर और के साथ ये फिल्म एक योजनाबद्ध त्रयी की पहली किस्त के रूप में कार्य करती है जिसमें वह स्वयं स्टावर्स नाम सिनेमाई ब्रह्मांड का हिस्सा बनने की योजना है और इसमें अमिताभ बच्चन कपूर आलिया भट्ट मौनी राय और अक्कीनी नागार्जुन सहित कलाकारों की टोली शामिल है जबकि शाहरुख खान और दीपिका पातकोट कैमियो भूमिका में दिखाई देती हैं फिल्म के गाने प्रीतम द्वारा रचित हैं और साउंड ट्रैक गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों से प्रेरणा लेते हुए कहानी शिवा पर आधारित है जो आतिशबाजी शक्तियों से युक्त एक अनाथ संगीतकार है जिसे पता चलता है कि वो एक अस्त्र है जो विशाल ऊर्जा का एक हथियार भी है और वो सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रम्भाष्त को उन अघोरी ताकतों के हाथों में पकड़ने से रोकने का प्रयास करता है जिनका इतिहास उनके साथ साझा है तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने और इस फिल्म को लिखा है अयान मुखर्जी हुसैन दलाल ने उत्पादित किया है करण जौहर अपूर्व मेहता हीरो जौहर नमित मल्होत्रा अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर और मारिके डिसूजा ने और इस फिल्म को अभिनित किया है रणबीर कपूर अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी राय नागार्जुन अक्कीनेी ने और इस फिल्म को छांकित किया है बी मणिकंदन पंकज कुमार और सुदीप चटर्जी विकास नौलखा पैट्रिक डिसूजा और इस फिल्म को संपादित किया है प्रकाश कुरूप ने और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम जी ने उत्पादन कंपनी है स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स तो फिर इस फिल्म को वितरित किया है स्टार स्टूडियो ने और यह मूवी रिलीज हुई थी 9 सितंबर 2022 को देश भारत भाषा हिंदी में अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था तीन से चार करोड़ रुपये का तो फ्रेंड्स अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था चार सौ का तो इस फिल्म की कल्पना सबसे पहले मुखर्जी ने 2011 में की जिसके तहत मुख्य तत्व भारतीय इतिहास और बचपन में सुनी कहानियों से प्रेरित थी इसके विकास पहली बार जुलाई दो में और दो के लिए नियोजित रिलीज के साथ सामने आया था लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2017 में हुई जिसमें खुलासा हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र होगा और ये एक त्रयी योगी होगी जो प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक चली जिसमें बुल्गारिया लंदन न्यूयॉर्क शहर एडिनबर्ग थाईलैंड मलानी मुंबई और वाराणसी सहित फिल्मांकन स्थान शामिल थे फिल्म के निर्माण और रिलीज में कई बार देरी हुई पहले उत्पादन में देरी और मैट्रिक मौद्रिक बाधाओं के कारण और बाद में कोविड 19 महामारी के कारण ब्रह्मास्त्र भाग एक शिवा को नाटकीय रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया है यह डिज्नी द्वारा इक्कीसवीं सिचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के बाद स्टार स्टूडियोज नाम के तहत रिलीज किया गया है पहला प्रोडक्शन था फिल्म को प्रदर्शन दृश्य प्रभाव साउंड ट्रैक संगीत स्कोर और एक्शन दृश्यों के लिए मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं जबकि आलोचना संवाद की और निर्देशित थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही है दुनिया भर में इसने चार करोड़ यूएस चौवन मिलियन से अधिक की अनुमानित कमाई के साथ यह दो की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है जो सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है और 2022 की फिल्में दो सीक्वल एक साथ विकसित किए जा रहे हैं और क्रमशः दिसंबर 2026 और दिसंबर 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को हम शुरू करते हैं तो यह कहानी है प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ऊर्जा ब्रह्म शक्ति से टकराता है जो अस्त्र नामक महान शक्ति के कई दिव्य हथियारों का उत्पादन करती है उनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ब्रह्मास्त्र जो दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है अस्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग करते हैं और दुनिया को अस्त्रों की शक्तियों से बचाने के लिए एक गुप्त समाज ब्रह्मास्त्र बना जाते हैं और वर्तमान में मुंबई में शिवा एक डिस्क जाकी को लंदन निवासी ईशा चटर्जी से पहली नज़र में प्यार हो जाता है जो अपने दादा के पंडाल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई है और जल्द ही ईशा प्रतिक्रिया करती है कि और शिवा के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है शिवा उसे बताता है कि वो एक अनाथ है जो अपने पिता को कभी नहीं जानता और वो जब बच्चा था तो सन उन्नीस को उसकी माँ की आग में जलकर मृत्यु हो गई थी इसी बीच दिल्ली में वैज्ञानिक ब्रह्मास्त्र सदस्य मोहन भार्गव पर ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के लिए जोर और रफ्तार द्वारा हमला किया जाता है जिससे वो सुरक्षित रखते हैं मोहन वनरास्त्र का उपयोग करके वापस लड़ते हैं लेकिन अंत में जुनून द्वारा में कर लिया जाता है जो दो देव नामक रहस्यमयी बुराई के लिए काम करते हैं जुनून के कब्जे में वो वस मुकुट का उपयोग कर रहा था जो मोहन ने खुलासा किया और ब्रह्मशास्त्र का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में आ, अनीश शेट्टी नामक एक कलाकार और पुरातत्वविद द्वारा संरक्षित किया गया था इससे पहले कि वो ब्रह्मास एक श्रम के वर्तमान स्थान और गुरु को बता सके मोहन खुद को बालकनी से बाहर फेंक देता है और शिव को जुनून के साथ मोहन की मुठभेड़ का आभास होता है क्योंकि उसके एक हाथ में अग्निशास्त्र का एक टुकड़ा बांधा हुआ है और वो शिव किसी तरह उससे लड़ता हुआ जाता है और वो ईशा अनीस को चेतावनी देने के लिए वाराणसी की ओर जाते हैं लेकिन रफ्तार जो अब मोहन के वनरास्त का उपयोग करते हैं और उसे बाधित करते हैं शिव और ईसा के साथ भागने से पहले अनीश ने नंदी अस्त्र का उपयोग करके उसे हरा दिया और हिमाचल प्रदेश जाते समय जहाँ एक श्रम स्थित है जो जुनून और जोर एक ट्रक में उनका पीछा करते हैं अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिवा को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए रुकता है लेकिन मारा जाता है फिर रफ्तार द्वारा शिव और ईसा का पीछा किया जाता है जहां शिव ने ईसा को मारने की कोशिश करने के बाद अपनी अग्नि की शक्ति का उपयोग करके उसे मार डाला इस श्रम में वे अन्य अस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिवा को अपने माता पिता के बारे में जानकारी के लिए गुरु रघु द्वारा ब्रह्मास्त्र में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है और वो अन्य नए रंगरूटों रानी रवीना शेर और तेंजिंग से मिलते हैं जिन्हें रघु द्वारा अपने अपने अस्त्रों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और शिवा भी आग पर नियंत्रण हासिल कर लेता है जैसे ही जुनून उनके करीब आता है रघु को पता चलता है कि पूर्ण ब्रह्मास्त्र सदस्यों देव और अमृता का बेटा है देव ने वास्तव में ब्रह्मास्त्र को जागृत किया है क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति थे जो एक कई साथ अस्त्रों को नियंत्रित करने में सक्षम थे देव की पत्नी अमृता यानी कि देव के बच्चे से गर्भवती है जो जलास्त्र चलाती थी एक सुदूर द्वीप पर युद्ध में देव को हरा दिया और वे दोनों युद्ध से नष्ट हो गए थे अमृता की नाव युद्ध के खंडहरों में पाई गई थी जिसे ब्रह्मास्त्र के दो टुकड़े हुए टुकड़े के साथ दीप के वापस लाया गया ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीश दोनों को दिए गए माना जाता है कि तीसरा टुकड़ा गायब था रघु और शिवा ने निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों युद्ध में बच गए हैं ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमृता के माया शास्त्र में शंख के रूप में छिपा हुआ है जिसे रघु शंख पर शिव का रक्त गिराकर छोड़ देते हैं और जुनून और उसी सेना ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंचती है और सभी को बंधक बना लेती है तब शिव ने जुनून को हरा दिया और जोर को भी मार डाला जिसने अनीस के नंदी अस्त्र का उपयोग किया था और सभी को रिहा कर दिया था लेकिन जुनून ईसा ने तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मास्त्र को सक्रिय करने के लिए खुद को बलिदान कर देती है विनाश शुरू हो जाता है और ईशा खतरे में पड़ जाती है लेकिन शिवा ईशा की सुरक्षा से उपजी नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर नियंत्रण हासिल कर लेती है और उसके साथ फिर से जुड़ जाती है क्रेडिट से पहले जुनून द्वारा ब्रह्मास्त्र सक्रिय करने के कारण देव जिसे एक अज्ञात द्वीप पर एक मूर्ति के रूप में कैद किया गया था रिहा कर दिया गया है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो शिव अमृता के देव के बेटे के रूप में रणवीर कपूर एक अनाथ और ब्राह्मण वंश का एक नया सदस्य है जिसके पास अग्निशास्त्र की शक्ति है अग्निशास्त्र का शस्त्र अपने भीतर शिशु शिव के रूप में निवान गुप्ता हैं अमिताभ बच्चन रघु उर्फ गुरु जी के रूप में ब्राह्मणों के गुरु और उनके नेता भी हैं और प्रशास्त्र धारण करते हैं ईशा चटर्जी के रूप में आलिया भट्ट हैं जो लंदन की एक एन आर आई और शिवा की प्रेमिका चरित्र हिंदू देवी पार्वती पर आधारित हैं जुनून के रूप में मौनी राय हैं जो देव की दाहिनी हाथ वाली महिला जो कवचास्त्र का उपयोग करती हैं और ब्रह्मास्त्र का पुनर्जीवित करने और देव को मुक्त करने का लक्ष्य रखती हैं अनीश शेट्टी के रूप में नागार्जुन अक्कीने हैं जो एक कलाकार वास्तुकार पुरातत्वविद और नंदी अस्त चलाने वाले ब्राह्मण वंश के सदस्य हैं डिम्पल कपाड़िया ब्रह्मास के सदस्य हैं सावित्री देवी के रूप में हैं जो शेर के रूप में गुरुफतेह फिर ज्यादा हैं जो ब्राह्मणों का एक नया सदस्य है जो नाग धनुष धारण करता है स्टैनिजन डेलेक तेंजसिंग के रूप में ब्राह्मणों का एक नया भर्ती व्यक्ति जिसने वनरास्त का उपयोग किया था वो पवनास्त्र का उपयोग कर रहा है इस समय लहर खान रवीना के रूप में ब्राह्मणों की एक नई भर्ती जो गजास्त्र का उपयोग करती है रानी के रूप में अदिति जोशी हैं जो ब्राह्मण वंश की एक नई भर्ती हैं जिसके पास आयु मुद्रिका है और संस्था के पास एक मार्कट सोनी है जो ब्रह्मास की एक नई भर्ती है और उनकी तकनीकी आदमी जो चचाक्ष चलाना जानती हैं सौरव गुर्जर जोर के रूप में जुनून का एक गुर्गा है जिसने अनीस के नंदी अस्त्र को चुरा लिया था रुल्ला गाजी रफ्तार के रूप में जुनून का एक और गुर्गा है जिसने मोहन से वनरास्त चुराया है चैतन्य शर्मा टाइगर हैं जो शिव के दोस्त के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और साइना के रूप में राशि मल हैं जो ईसा की चचेरी बहन हैं ईसा के चचेरे भाई सनी के रूप में रोहन रुस्तमजी हैं फरीदा देवी मौसी शिवा की मकान मालकिन के रूप में हैं और ईसा के दादा के रूप में रियाज मकानी हैं और मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान एक स्पेसिद्ध खगोल विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक और ब्राह्मण वंश के सदस्य हैं जिनके पास वनरास्त्र था अमृता के रूप में दीपिका पादकोण और शिवा की माँ देवपत्नी और जलास्त्र धारण करने वाली ब्राह्मण वंश की पूर्व सदस्य भी हैं तो फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में तो ब्रह्मास्त्र का विचार भाग एक सिवा पहली बार 2011 में मुखर्जी के पास उनकी दूसरी फिल्म ये जवानी है दीवानी 2013 की पठक कथा लिखते समय आया था जब मुखर्जी ने पहली बार जुलाई 2014 में घोषणा की कि वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अक्टूबर 2017 में ब्रह्मास्त्र की आधिकारिक तौर पर निर्माता कर्ण द्वारा घोषणा की गई थी मुखर्जी को निर्देशक के रूप में साइन किया गया था जबकि रणबीर कपूर आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन अभिनय करने के लिए तैयार थे प्रारंभ में फिल्म का कार्यभार शीर्षक ड्रैगन था लेकिन 2017 में आधिकारिक तौर पर इसका शीर्षक ब्रह्मास्त्र रखा गया था मुखर्जी ने बताया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान ऊर्जा और शक्ति से मेल खाता है जो मुखर्जी ने यह भी बताया कि यह प्राचीन तत्वों वाली एक समकालीन फिल्म है दो में करण जौहर ने फिल्म को फिल्म के त्रयी में बनाने की योजना बनाई और इसका खुलासा किया फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 में शुरू की गई थी और एक साक्षात्कार में कपूर ने कहा कि रानी मुखर्जी ने एक मूल कहानी बनाने के लिए अपने जीवन के छः साल कड़ी मेहनत की और यह एक तय दस साल की अवधि में बनाई जाएगी और उन अफवाहों का खंडन किया और यह एक रोमांटिक कहानी है जो सुपर हीरो फिल्म इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक होगी प्रारूप के रूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह एक फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें सच्चाई ना हो या जो अविश्वसनीय हो तेलुगु फिल्म अभिनेता नागार्जुन ने भी इसकी पुष्टि है कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यह 2003 की फिल्म एल ओ सी कारगिल में उनकी उपस्थिति के बाद 19 साल बाद हिंदी सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक होगी मौनी राय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वो यह फिल्म एकमात्र प्रतिपक्षी हैं जून 2022 में मुखर्जी ने घोषणा की कि यह फिल्म एक त्रयी फ्रेंचाइजी का हिस्सा होगी और पहली किस्त के रूप में स्ट्रावर्स के तहत एक सिनेमाई ब्रह्मांड जो विभिन्न रहस्यमय अस्त्रों के आसपास केंद्रित है अगस्त 2022 में रोनित राय ने पुष्टि की है कि फिल्म में शाहरुख खान की एक कैमियों वाली भूमिका थी जिसमें शाहरुख खान की भूमिका फिल्म स्वदेश 2004 के चरित्र पर स्पिन ऑफ है और अयान मुखर्जी ने थिएटर रिलीज से पहले साल अयान मुखर्जी ने थिएटर रिलीज से नौ साल पहले काम शुरू किया था फ्री प्रोडक्शन का काम 2014 में शुरू हुआ और फिल्मांकन 2018 में शुरू हुआ फरवरी 2018 में बच्चन और कपूर ने मुखर्जी की उपस्थिति में लुक टेस्ट किया था जुलाई 2022 में रानी मुखर्जी जुलाई 2022 जी द्वारा विभिन्न अस्त्रों के रहस्यमयी ब्रह्मांड को समझाते हुए एक वीडियो जारी किया गया था और उन्होंने बताया कि कैसे ब्रह्म शक्ति से अस्त्रों का जन्म हुआ जो प्राकृतिक में पाई जाने वाली सभी विभिन्न ऊर्जाओं जैसे जलास्त्र पवनास्त्र शास्त्र का निर्माण करते हैं और उन्होंने अस्त्रों के बारे में भी बात की जो विभिन्न जानवरों की शक्तियों को संग्रहित करते हैं जैसे वनरास्त्र जो इसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को दिव्य बंदर की शक्ति दे सकता है और नंदी शस्त्र जिसमें एक हज़ार बैल की शक्ति और ताकत होती है वो अपने ब्रह्मांड से निकलने वाला अंतिम अस्त्र ब्रह्म शक्ति की सामूहिक शक्ति को लेकर जिसे सभी अस्त्रों का स्वामी कहा जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं या देवों के सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार में से एक बताया गया है ब्रह्मास्त्र मुखर्जी ने कहा कि मूल विचार हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों से प्रेरित था जो उन्होंने बचपन में अपने दादा से सुनी थी रायन मुखर्जी ने खुलासा किया कि अभिनेता कपूर के चरित्र के पिछले चरित्र पीछे का प्रेरणा रूमी से मिली है जिन्होंने उनके चरित्र के लिए पहले लुक को भी प्रेरित किया है और कानून मुखर्जी ने फिल्म की नवी न्यू बनाने के लिए रूमी के काम प्यार आपके हर चीज के बीच का पुल है जिसे प्रेरणा ली है और बाद में उन्होंने खुलासा किया है कि रूमी प्रेरित लुक को हटा दिया गया था और कपूर ने इसके बजाय बाल कटवा लिए थे कपूर ने फिल्म के लिए लुक पोस्ट के अपने अनुभव का खुलासा करते हुए कहा कि यह एक कठिन काम है चिपकाना लगाना हटाना हटाना और दोबारा लगाना जब तक कि कोई निर्णय न आ जाए तो फैंस इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2018 में 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया था फिल्मांकन का दूसरा शेड्यूल उक्त देश में जारी रहा और फिर 8 जुलाई 2018 को लंदन जुलाई के अंत में न्यूयॉर्क और फिर महीने के अंत तक बुल्गारिया वापस एक फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में व्यापक शूटिंग शुरू हुई थी और 20 दिवसीय कार्यक्रम 30 जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले के और चेत सिंह किले में शुरू हुआ था फिल्मांकर मार्च 2022 में दो हजार बीस में कोविड 19 महामारी के कारण रोक दिया गया था और बाद में नवंबर में फिर से शुरू हुआ था और 2020 और फिल्मांकर उनतीस मार्च 2022 को वाराणसी में पूरा हुआ एस एस राजामौली के पिता के वी विजेंद्र प्रताप ने मुखर्जी के सामने फिल्म में कुछ बदलाव का प्रस्ताव रखा जिसके बाद चार दिनों तक दोबारा शूटिंग की गई और ये भी बताया गया कि फ़िल्म का उत्पादन बजट 410 करोड़ यूएस इक्यावन मिलियन था जो इसे रिलीज़ के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक और अब तक की सबसे महंगी हिंदी फिल्म बना देगा हालांकि मुख्य अभिनेता रणबीर कपूर ने बाद में यह स्पष्ट किया कि इस बजट की फ्रेंचाइजी सभी तीन मुख्य किस्तों के निर्माण के लिए थी जो पहली बार फिल्म के निर्माण के दौरान बनाई गई संपत्ति का उपयोग भविष्य की किस्तों में किया जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन में अनुमान लगाया गया है कि निर्माताओं ने वी एफ एक्स पर एक सौ पचास करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस फिल्म का वी एफ एक्स काम डी एन ई जी प्राइम फोकस कंपनी द्वारा किया गया है संपादन की देखरेख प्रकाश कुरूप ने की है प्रीतम के नेतृत्व में जाम आर्ट संगीत और ध्वनि डिजाइन स्टूडियो ने ध्वनि प्रभाव प्रदान किया है बी एफ एक्स स्टूडियो डी एन ई जी और रिफाइनी विदेशी टीम ने दृश्य प्रभाव तैयार किए हैं चिरंजीवी ने तेलुगु संस्करण के लिए आवाज़ दी है और रणवीर और आलिया ने सितंबर 2020 में बांदा के एक स्टूडियो में अपनी डबिंग हिस्से की शूटिंग की है और इस फिल्म में प्रीतम प्रसाद रास्ते और जिसमें सत्या मेघ दी बोस और तनुज टीकू और केतन सोढ़ा के साथ बैकग्राउंड स्क्रो तैयार किया गया है साउंड ट्रैक तैयार करते समय जबकि गाने ब्रिटिश संगीतकार स्टील बैंगलेज द्वारा निर्मित और मिश्रित किए गए हैं अमिताभ बच्चन द्वारा लिखे गए गीतों द्वारा और अभिताभ द्वारा लिखे गए गीतों के साथ भट्टाचार्य स्कोर स्क्रीनों स्टेज बयान में रिकॉर्ड किया गया था फिल्म का शीर्षक साउंड ट्रैक एल्बम आधिकारिक तौर पर छः अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर स्टीमिंग प्रारूपों और डिजिटल खुदरा विक्रेताओं के लिए जारी किया गया था ब्रह्मास्त्र भाग एक सिवा दो की सबसे प्रशिक्षित हिंदी रिलीज में से एक थी फिल्म का शीर्षक लोगों को 4 मार्च 2019 को सामने आया उसी दिन कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर इसका अनावरण किया गया था इसे बनाने के लिए आकाश को रोशन करने के लिए 150 ड्रोन का उपयोग किया गया था ब्रह्मास्त्र का आधिकारिक लोगों ने 6 मार्च 2019 को जारी किया था जबकि एस एस मौली को इसकी दक्षिण भारतीय भाषा संस्करणों के लिए फिल्म के प्रस्तुतकर्ता के रूप में काम करते हुए और धनुष ने इसे तेलुगू तमिल मलयालम और प्रस्तुत किया था जिसे मार्च 2019 को कन्नड़ संस्करण एक बयात बयालीस सेकेंड मोशन लोगों में भी जारी किया गया था जिसमें बच्चन का वॉयस ओवर था इसके अलावा बारह मार्च को मौसम लोगों के लिए संगीत स्कोर बनाने का एक प्रचार प्रचारात्मक पर्दे के पीछे का वीडियो जारी किया गया था जिसमें फिल्म के संगीतकार प्रीतम शामिल थे पाँच अप्रैल 2019 को शीर्षक लोगों के आकाश में अनावरण के निष्पादन का प्रचारात्मक पर्दे के पीछे का वीडियो जारी किया गया था और कपूर के तत्कालीन अज्ञात चरित्र की विशेषता वाला एक मोशन पोस्टर 14 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था अगले दिन उनके चरित्र शिव की विशेषता वाला एक और मोशन पोस्टर 15 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था जबकि एक प्रशंसक पोस्टर लॉन्च के समर्थन में नई दिल्ली में कुछ घंटे पहले कार्यक्रम आयोजित किया गया था और फिल्म के स्टीमिक पार्टनर डिजनी प्लस हॉट स्टार ने अपने प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर इसका सीधा प्रसारण किया था और 19 दिसंबर 2021 को मोशन प्रोडक्शन के तहत तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ संस्करणों को लॉन्च करने के लिए हैदराबाद एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 16 मार्च 2022 को एक पोस्टर और भट्ट के चरित्र ईसा का पहला प्रस्तावना जारी किया था जिसे 26 मार्च 2022 को मुखर्जी कपूर और भट्ट को चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आई के उद्घाटन मैच के दौरान स्टार स्पोर्ट के पोस्ट क्रिकेट शो के हिस्से के रूप में बयाजू के क्रिकेट लाइव सेगमेंट में दिखाया गया था जबकि कपूर दिखाई दिए थे और खेल की घोषणा एक टेलीविज़न विज्ञापन की फिल्म के समापन की स्मृति में एक प्रचार घोषणा और वीडियो उनतीस मार्च 2022 को जारी किया गया था जिसे 10 अप्रैल 2022 को कपूर और भट्ट के पात्रों की विशेषता वाला एक मोशन प्रोडक्शन और गाने पर सेट किया गया था केसरिया अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया था एक स्थित संस्करण के साथ रिलीज किया गया था और उक्त गीत के तेलुगु संस्करण का टीजर शीर्षक का शीर्षक कुकुमाला है जिसे सिट श्रीराम ने गाया है और सत्ताईस मई 2022 को राजा मौली द्वारा जारी और प्रस्तुत किया गया था जिसे 31 मई 2022 को फिल्म का टीजर ट्रेलर जारी किया गया था जिसमें आधिकारिक ट्रेलर की रिलीज तिथि का भी खुलासा किया गया था इसकी रिलीज के समर्थन में विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम और प्रशंसक मीट एंड ग्रीट आयोजित किया गया था बच्चन के चरित्र गुरु और नागार्जुन के चरित्र अनीस का फर्स्ट पुष्ट जून के दूसरे सप्ताह के दौरान जारी किया गया था और 13 जून 2022 को एक घोषणा का वीडियो जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि अभिनेता चिरंजीवी फिल्म के तेलुगु डब संस्करण के लिए कपूर के चरित्र शिवा को अपनी आवाज़ देंगे और अपने अगले दिन राय के चरित्र जुनून का फर्स्ट पुष्ट लोक पोस्टर जारी किया जिसे 15 जून 2022 को फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया था इसके समर्थन में एक कार्यक्रम के साथ जिसमें मुंबई में रिलीज के एक दिन पहले ट्रेलर की पूर्वलोकन स्क्रीनिंग शामिल है ट्रेलर का फोर के संस्करण चार दिन बाद जारी किया गया था जिसे 13 जुलाई 2022 को द विजन ऑफ ब्रह्मास्त्र नामक एक प्रमोशनल पिक्चर जिसमें मुखर्जी ने एक्ट एक्स्ट्रावर्स नामक विभिन्न शास्त्रों के रहस्यमी ब्रह्मांड की व्याख्या की है और इसके पीछे की रचनात्मक दृष्टि को जारी किया गया है जिसे सत्रह जुलाई दो को रिलीज होने के कुछ घंटे पहले गीत केसरिया का अनावरण भट्ट और मुखर्जी द्वारा इंस्टाग्राम पर आयोजित एक लव लाइव स्ट्रीमिंग में किया गया था जिसमें उन्होंने ट्रैक के निर्माण के बारे में भी चर्चा की थी और 31 जुलाई 2022 को विभिन्न शास्त्रों के दृश्यों वाला एक इंस्टाग्राम फिल्टर जारी किया गया था जिसमें 6 अगस्त 2022 को एक पिक्चर जारी किया गया था जिसमें मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र त्रयी के लिए अपने दृष्टिकोण की शुरुआत से भाग एक सिवा तक की पूरी यात्रा और प्रक्रिया को साझा किया था फिल्म के साउंड ट्रैक के दूसरे गाने देवा देवा की एक थ्री डी पूर्व लोकन स्क्रीनिंग जिसे सिंह ने गाया था उस दिन भी मुंबई में आयोजित की गई थी सिंगल की रिलीज से दो दिन पहले अगस्त के दूसरे सप्ताह में यूट्यूब प्रीमियम के सहयोग से आप पार्टी लाइव स्ट्रीमिंग के प्रचार के लिए फिल्म के गानों की होर्डिंग्स न्यूयॉर्क सिटी और एल में लगाए जाए थे जिसे 18 अगस्त को सेवा पर आयोजित करने की घोषणा की गई थी जिसे 17 अगस्त 2022 को एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें मुखर्जी ने फिल्म के पीछे अपनी प्रेरणाओं के बारे में बताया जो बचपन में उनके द्वारा सुने गए किस्सों से जुड़ा हुआ था एक दिन के बाद पहले छेड़ा गया अपार्ट पार्टी लाइव स्ट्रीमिंग शस्त्र जिसे विशेष रूप से यूट्यूब प्रीमियम के माध्यम से सोनी म्यूजिक इंडिया के चैनल पर फिल्म के तीसरे गाने डांस का भूत समर्थन में मुखर्जी कपूर और भट्ट के साथ हुआ था प्रशंसकों के साथ बातचीत करना और फिल्म के संगीत निर्माण और प्रचार अभियान पर चर्चा करना कपूर के चरित्र का एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें गाने की पृष्ठभूमि संगीत के एक अंश के साथ साथ संगीत वीडियो को छेड़ा गया था जिसे 24 अगस्त 2022 को कपूर राजा मौली और नागार्जुन के नेतृत्व में चेन्नई में फिल्म के समर्थन में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसे 27 अगस्त 2022 को आईआईटी बॉम्बे में कपूर और भट्ट के साथ एक प्रमोशनल शिखर सम्मेलन के साथ साथ एक मुलाकात और अभिवादन आयोजित किया गया था जिसमें एक फ्री रिलीज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी जिसे 2 सितंबर 2022 को रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में आयोजित होने वाला था जिसमें अभिनेता जूनियर एन विशेष अतिथि होंगे और हालांकि अज्ञात कारणों से इसे अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था 30 अगस्त 2022 को फिल्म से कपूर के चरित्र सिवा के कुछ अंशों वाली एक क्लिप साझा की जो दस दिनों की उल्टी गिनती के हिस्से के रूप में थी जो तीस अगस्त से आठ सितंबर तक चली थी फिल्म की रिलीज के लिए काउंटडाउन के हिस्से के रूप में एक क्लिप जारी की गई थी जिसमें अगले दिन बच्चन ने चरित्र गुरु को दिखाया जिसमें मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने रिलीज की तारीख के रूप में 9 सितंबर 2022 को चुना क्योंकि उनका मानना है कि उनकी भाग्यशाली संख्या कपूर और भट्ट से स्पाइटिफाई इंडिया के एक विज्ञापन अभियान में एक साथ अभिनय किया जिसे फिल्म के सहयोग में जारी किया गया था जिसमें फिल्म के दो गाने के शरिया और डांस का भूत शामिल था एक सितंबर 2022 को विजन ऑफ ब्रह्मास्त्र फीचर के तेलुगु तमिल और कन्नड़ संस्करण में जारी किया गया था जिसमें राजा मौली स्ट्रावर्स के विषयों को समझाते हुए फिल्म की रिलीज की उल्टी गिनती वनरास्त्र पर परिचय देने वाली एक क्लिप के साथ जारी की जो उसी दिन रिलीज हुई मीडिया और लेट से अनुमान लगाया गया है कि शाहरुख खान की पुष्टि की गई कैमियों की उपस्थिति का हिस्सा 3 सितंबर 2022 को सिनेमाई घरों की टिकटों की अग्रिम बुकिंग करने की घोषणा के लिए हिंदी तेलुगु और तमिल के एक फ्री रिलीज प्रेम जारी किया गया था जिसे 4 सितंबर को फिल्म के एक्शन दृश्यों और उनके फिल्मांकन और कोरियोग का एक फीचर साझा किया गया था छह सितम्बर दो को फिल्म की थ्री डी फैन रिव्यू स्क्रीनिंग की घोषणा की गई जो फिल्म की रिलीज के एक दिन पहले 8 सितंबर को कपूर और भट्ट की मुखर्जी के साथ मुंबई में आयोजित की गई थी टिकट पीवीआर वी सिनेमाज के वेब स्टोज पर उपलब्ध थी और घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर बिक भी गए थे फिल्म के प्रचार के लिए नई दिल्ली में मुखर्जी और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ एक प्रशंसक मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया था और ब्रह्मास्त्र भाग वन शिवा को 9 सितंबर 2022 को मानक प्रारूप 3D IMAX 3D I4DX 3D में रिलीज किया गया था ये फिल्म भारत में स्टार स्टूडियो द्वारा हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम कन्नड़ भाषाओं में रिलीज की गई थी तेलुगू फिल्म निर्देशक एस एस राजा मौली के बाद चार दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब संस्कृत प्रस्तुत किए गए थे डिजनी द्वारा इक्कीसवीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण और फॉक्स स्टार स्टूडियो की रिबांडिंग के बाद यह स्टार स्टूडियो नाम से रिलीज हुई पहली फिल्म थी यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बीसवीं सेंचुरी स्टूडियो द्वारा और दुनिया भर में उसी दिन वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी इसने भारत में पाँच सौ से अधिक यानी कि इसे भारत में पाँच हज़ार स्क्रीनों पर अपने विदेशों में तीन हज़ार स्क्रीनों पर दुनिया भर में कुल आठ हज़ार स्क्रीनों पर दिखाया गया था जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी स्क्रीन थी फिल्म ने अपनी रिलीज से एक दिन पहले आठ सितंबर दो हज़ार बाईस को संयुक्त राज्य अमेरिका में भुगतान पूर्वलोकन की योजना बनाई थी फिल्म को मूल रूप से तेईस दिसंबर 2016 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी लेकिन उत्पादन में देरी और मौद्रिक बाधाओं के कारण बाद में कोविड 19 महामारी के कारण कई वर्षों की देरी हुई अक्टूबर 2017 में फिल्म को 15 अगस्त 2019 को रिलीज करने की घोषणा थी फिल्म के दृश्य प्रभाव और संगीत पर लंबित काम के कारण ब्रह्मास्त्र को क्रिसमस 2019 और फिर 2020 की गर्मियों तक बढ़ाया दिया गया था फरवरी 2020 में इसकी रिलीज़ की तारीख 4 दिसंबर 2020 की घोषणा की गई थी हालांकि भारत में कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो गई थी दिसंबर 2021 में 9 सितंबर 2022 की अंतिम रिलीज की तारीख की घोषणा की गई और दो सितंबर दो को स्टार इंडिया द्वारा दायर एक मुकदमे के बाद दिल्ली उच्चारायण ने एक अंतरिम आदेश के तहत अट्ठारह अट्ठारह पायरेसी व्यवसायियों को इंटरनेट पर फिल्म को अवैध रूप से स्ट्रीम करने के लिए रोक दिया गया था और इस फिल्म के विवाद के बारे में भी हम बताते चलें तो रिलीज से पहले दक्षिणापंथी हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा फिल्म का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था जो बॉलीवुड की सभी फिल्मों का विरोध कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्योग में हिंदू विरोधी भावनाएं प्रचलित थीं कपूर का एक पुराना साक्षात्कार जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि उन्हें गोमांस खाना पसंद है जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से लोकप्रियता मिली गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है परिणाम स्वरूप हिंदू राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल के सदस्यों ने कपूर और आलिया भट्ट को उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करने से रोक दिया था और इसे 17 सितंबर 2022 को डिजनी के अंतर्राष्ट्रीय सामग्री और संचालन के अध्यक्ष रिबेका कैपल ने डिजनी प्लस हर्स्ट स्टार की सफलता के बारे में द इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए पुष्टि की कि फिल्म यूएस में हुलू लैटिन अमेरिका में स्टार प्लस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजनी प्लस स्ट्रीमिंग होगी फिल्म का डिजिटल प्रीमियम 4 नवंबर 2022 को अमेरिका में हुलू और भारत और समग्र एशिया में डिजनी प्लस हाथ स्टार पर हुआ है उसी दिन फिल्म का एक अंग्रेजी डब भी जारी किया गया था फिल्म अपने अंग्रेजी डब के साथ साथ दिसंबर 2022 को डिजनी प्लस हाथ स्टार पर रिलीज हुई थी संवाद हुसैन दलाल द्वारा लिखे गए हैं और करण जौहर अपूर्व मेहता एस द्वारा निर्मित है जौहर नमित मल्होत्रा और मुखर्जी अपने पहले प्रोडक्शन में धर्मा प्रोडक्शन स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत स्टार स्टूडियो के सहयोग से रणबीर कपूर और के डिसूजा साथ ये फिल्म एक योजनाबद्ध त्रयी की पहली किस्त के रूप में कार्य करती है जिसमें वह स्वयं स्टावर्स नाम सिनेमाई ब्रह्मांड का हिस्सा बनने की योजना है और इसमें अमिताभ बच्चन कपूर आलिया भट्ट मौनी राय और अक्कीनी नागार्जुन सहित कलाकारों की टोली शामिल है जबकि शाहरुख खान और दीपिका पातकोट कैमियो भूमिका में दिखाई देती हैं फिल्म के गाने प्रीतम द्वारा रचित हैं और साउंड ट्रैक गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों से प्रेरणा लेते हुए कहानी शिवा पर आधारित है जो आतिशबाजी शक्तियों से युक्त एक अनाथ संगीतकार है जिसे पता चलता है कि वो एक अस्त्र है जो विशाल ऊर्जा का एक हथियार भी है और वो सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रम्भाष्त को उन अघोरी ताकतों के हाथों में पकड़ने से रोकने का प्रयास करता है जिनका इतिहास उनके साथ साझा है तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने और इस फिल्म को लिखा है अयान मुखर्जी हुसैन दलाल ने उत्पादित किया है करण जौहर अपूर्व मेहता हीरोस जौहर नमित मल्होत्रा अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर और मारिके डिसूजा ने और इस फिल्म को अभिनित किया है रणबीर कपूर अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी राय नागार्जुन ने और इस फिल्म को छांकित किया है बी मणिकंदन पंकज कुमार और सुदीप चटर्जी विकास नौलखा पैट्रिक डेसूजा और इस फिल्म को संपादित किया है प्रकाश ने और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम जी ने उत्पादन कंपनी है स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टाइल लाइट पिक्चर्स तो फ्रेंड्स इस फिल्म को वितरित किया है स्टार स्टूडियो ने और यह मूवी रिलीज हुई थी 9 सितंबर 2022 को देश भारत भाषा हिंदी में अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 375 से 400 करोड़ रुपए का तो फ्रेंड्स अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था चार सौ का तो इस फिल्म की कल्पना सबसे पहले मुखर्जी ने दो में की जिसके तहत मुख्य तत्व भारतीय इतिहास और बचपन में सुनी कहानियों से प्रेरित थी इसके विकास पहली बार जुलाई 2014 में और 2016 के लिए नियोजित रिलीज के साथ सामने आया था लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2017 में हुई जिसमें खुलासा हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र होगा और यह एक त्रयी योगी होगी जो प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक चली जिसमें बुल्गारिया लंदन न्यूयॉर्क शहर एडिनबर्ग थाईलैंड मलानी मुंबई और वाराणसी सहित फिल्मांकन स्थान शामिल थे फिल्म के निर्माण और रिलीज में कई बार देरी हुई पहले उत्पादन में देरी और मैट्रिक मौद्रिक बाधाओं के कारण और बाद में कोविड 19 महामारी के कारण ब्रह्मास्त्र भाग एक शिवा को नाटकीय रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया है यह डिजनी द्वारा इक्कीसवीं सेचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के बाद स्टार स्टूडियोज नाम के तहत रिलीज किया गया है पहला प्रोडक्शन था फिल्म को प्रदर्शन दृश्य प्रभाव साउंड ट्रैक संगीत स्कोर और एक्शन दृश्यों के लिए मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं जबकि आलोचना संवाद की और निर्देशित थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही है दुनिया भर में इसने चार करोड़ यूएस चौवन मिलियन से अधिक की अनुमानित कमाई के साथ यह दो की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है जो सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है और 2022 की फिल्में दो सीक्वेल एक साथ विकसित किए जा रहे हैं और क्रमशः दिसंबर 2026 और दिसंबर 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को हम शुरू करते हैं तो यह कहानी है प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ऊर्जा शक्ति से टकराता है जो अस्त्र नामक महान शक्ति के कई दिव्य हथियारों का उत्पादन करती है उनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ब्रह्मास्त्र जो दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है अस्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग करते हैं और दुनिया को अस्त्रों की शक्तियों से बचाने के लिए एक गुप्त समाज ब्रह्मास्त्र बना जाते हैं और वर्तमान में मुंबई में शिवा एक डिस्क जाकी को लंदन निवासी ईशा चटर्जी से पहली नज़र में प्यार हो जाता है जो अपने दादा की पंडाल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई है और जल्द ही ईसा प्रतिक्रिया करती है कि और शिवा के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है शिवा उसे बताता है कि वो एक अनाथ है जो अपने पिता को कभी नहीं जानता और वो जब बच्चा था तो सन उन्नीस को उसकी माँ की आग में जलकर मृत्यु हो गई थी इसी बीच दिल्ली में वैज्ञानिक ब्रह्मास्त्र सदस्य मोहन भार्गो पर ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के लिए जोर और रफ्तार द्वारा हमला किया जाता है जिससे वो सुरक्षित रखते हैं मोहन वनरास्त्र का उपयोग करके वापस लड़ते हैं लेकिन अंत में जुनून द्वारा वश में कर लिया जाता है जो दो देव नामक रहस्यमयी बुराई के लिए काम करते हैं जुनून के कब्जे में वो वस मुकुट का उपयोग कर रहा था जो मोहन ने खुलासा किया और ब्रह्मशास्त्र का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिस सेट्टी नामक एक कलाकार और पुरातत्वविद द्वारा संरक्षित किया गया था इससे पहले कि वो ब्रह्मास एक श्रम के वर्तमान स्थान और गुरु को बता सके मोहन खुद को बालकनी से बाहर फेंक देता है और शिव को जुनून के साथ मोहन की मुठभेड़ का आभास होता है क्योंकि उसके एक हाथ में अग्निशास्त्र का एक टुकड़ा बांधा हुआ है और वो शिव किसी तरह उससे लड़ता हुआ जाता है और वो ईसा अनीस को चेतावनी देने के लिए वाराणसी की ओर जाते हैं लेकिन रफ्तार जो अब मोहन के वनरास्त का उपयोग करते हैं और उसे बाधित करते हैं शिव और ईशा के साथ भागने से पहले अनीस ने नंदी अस्त्र का उपयोग करके उसे हरा दिया और हिमाचल प्रदेश जाते समय जहां एक श्रम स्थित है जो जुनून और जोर एक ट्रक में उनका पीछा करते हैं अनीस ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिवा को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए रुकता है लेकिन मारा जाता है फिर रफ्तार द्वारा शिव और ईशा का पीछा किया जाता है जहां शिव ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अपनी अग्नि की शक्ति का उपयोग करके उसे मार डाला इस श्रम में वे अन्य अस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिवा को अपने माता पिता के बारे में जानकारी के लिए गुरु रघु द्वारा ब्रह्मास्त्र में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है और वो अन्य नए रंगरूटों रानी रवीना शेर और तेंजिंग से मिलते हैं जिन्हें रघु द्वारा अपने अपने अस्त्रों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और शिवा भी आग पर नियंत्रण हासिल कर लेता है जैसे ही जुनून उनके करीब आता है रघु को पता चलता है कि पूर्ण ब्रह्मास्त्र सदस्यों देव और अमृता का बेटा है देव ने वास्तव में ब्रह्मास्त्र को जागृत किया है क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति थे जो एक कई साथ अस्त्रों को नियंत्रित करने में सक्षम थे देव की पत्नी अमृता यानी कि देव के बच्चे से गर्भवती है जो जलास्त्र चलाती थी एक सुदूर द्वीप पर युद्ध में देव को हरा दिया और वे दोनों युद्ध से नष्ट हो गए थे अमृता की नाव युद्ध के खंडहरों में पाई गई थी जिसे ब्रह्मास्त्र के दो टुकड़े हुए टुकड़े के साथ द्वीप के वापस लाया गया ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीस दोनों को दिए गए माना जाता है कि तीसरा टुकड़ा गायब था रघु और शिवा ने निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों युद्ध में बच गए हैं ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमृता के माया शास्त्र में शंख के रूप में छिपा हुआ है जिसे रघु शंख पर शिव का रक्त गिराकर छोड़ देते हैं और जुनून और उसी सेना ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुँचती है और सभी को बंधक बना लेती है तब शिव ने जुनून को हरा दिया और जोर को भी मार डाला जिसने अनीस के नंदी अस्त्र का उपयोग किया था और सभी को रिहा कर दिया था लेकिन जुनून ईसा ने तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मास्त्र को शक्ति करने के लिए खुद को बलिदान कर देती है विनाश शुरू हो जाता है और ईशा खतरे में पड़ जाती है लेकिन शिवा ईशा की सुरक्षा से उपजी नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर नियंत्रण हासिल कर लेती है और उसके साथ फिर से जुड़ जाती है क्रेडिट से पहले जुनून द्वारा ब्रह्मास्त्र सक्रिय करने के कारण देव जिसे एक अज्ञात द्वीप पर एक मूर्ति के रूप में कैद किया गया था रिहा कर दिया गया है तो फिर आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो शिव अमृता के देव के बेटे के रूप में रणवीर कपूर एक अनाथ और ब्राह्मण वंश का एक नया सदस्य है जिसके पास अग्निशास्त्र की शक्ति है अग्निशास्त्र का शस्त्र अपने भीतर शिशु शिव के रूप में निवान गुप्ता हैं अमिताभ अमिताभच्चन्न रघु उर्फ गुरु जी के रूप में ब्राह्मणों के गुरु और उनके नेता भी हैं और प्रशास्त्र धारण करते हैं ईशा चटर्जी के रूप में आलिया भट्ट हैं जो लंदन की एक एन आर आई और शिवा की प्रेमिका चरित्र हिंदू देवी पार्वती पर आधारित हैं जुनून के रूप में मौनी राय हैं जो देव की दाहिनी हाथ वाली महिला जो कवचास्त्र का उपयोग करती हैं और ब्रह्मास्त्र का पुनर्जीवित करने और देव को मुक्त करने का लक्ष्य रखती हैं अनीस शेट्टी के रूप में नागार्जुन अक्कीनेनी हैं जो एक कलाकार वास्तुकार पुरातत्वविद और नंदी अस्त्र चलाने वाले ब्राह्मण वंश के सदस्य हैं डिम्पल कपाड़िया ब्रह्मास्त्र की सदस्य हैं सावित्री देवी के रूप में हैं जो शेर के रूप में गुरफतेह फिर जादा हैं जो ब्राह्मणों का एक नया सदस्य है जो नाग धनुष धारण करता है स्टैनिजन डेलेक तेंजसिंग के रूप में ब्राह्मणों का एक नया भर्ती व्यक्ति जिसने वनरास्त्र का उपयोग किया था वो पवनास्त्र का उपयोग कर रहा है इस समय लहर खान रवीना के रूप में ब्राह्मणों की एक नई भर्ती जो गजास्त्र का उपयोग करती है रानी के रूप में अदिति जोशी हैं जो ब्राह्मण वंश की एक नई भर्ती हैं जिसके पास आयु मुद्रिका है और संस्था के पास एक मार्कट सोनी है जो ब्रह्मास की एक नई भर्ती है और उनकी तकनीकी आदमी जो चचाक्ष चलाना जानती हैं सौरव गुर्जर जोर के रूप में जुनून का एक गुरगा है जिसने अनीस के नंदी अस्त्र को चुरा लिया था रुल्लाह गाजी रफ्तार के रूप में जुनून का एक और गुर्गा है जिसने मोहन से वनरास्त चुराया है चैतन्य सम शर्मा टाइगर हैं जो शिव के दोस्त के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और साइना के रूप में राशि मल हैं जो ईसा की चचेरी बहन हैं ईसा के चचेरे भाई सनी के रूप में रोहन जी हैं फरीदा देवी मौसी शिवा की मकान मालकिन के रूप में हैं और ईसा के दादा के रूप में रियाज मकानी हैं और मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान एक स्पेसिद खगोल विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक और ब्राह्मण वंश के सदस्य हैं जिनके पास वनरास्त्र था अमृता के रूप में दीपिका पादकोण और शिवा की माँ देव पत्नी और जलास्त्र धारण करने वाली ब्राह्मण वंश की पूर्व सदस्य भी हैं तो फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में तो ब्रह्मास्त्र का विचार भाग एक शिवा पहली बार दो में मुखर्जी के पास उनकी दूसरी फिल्म ये जवानी है दीवानी दो की पठक कथा लिखते समय आया था जब मुखर्जी ने पहली बार जुलाई 2014 में घोषणा की कि वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अक्टूबर 2017 में ब्रह्मास्त्र की आधिकारिक तौर पर निर्माता करण जौहर द्वारा घोषणा की गई थी मुखर्जी को निर्देशक के रूप में साइन किया गया था जबकि रणबीर कपूर आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन अभिनय करने के लिए तैयार थे प्रारंभ में फिल्म का कार्यभार शीर्षक ड्रैगन था लेकिन 2017 में आधिकारिक तौर पर इसका शीर्षक ब्रह्मास्त्र रखा गया था मुखर्जी ने बताया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान ऊर्जा और शक्ति से मेल खाता है जो मुखर्जी ने यह भी बताया कि यह प्राचीन तत्वों वाली एक समकालीन फिल्म है दो में करण जौहर ने फिल्म को फिल्म के त्रयी में बनाने की योजना बनाई और इसका खुलासा किया फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 में शुरू की गई थी और एक साक्षात्कार में कपूर ने कहा कि रानी मुखर्जी ने एक मूल कहानी बनाने के लिए अपने जीवन के छः साल कड़ी मेहनत की और यह एक त्रय दस साल की अवधि में बनाई जाएगी और उन अफवाहों का खंडन किया और यह एक रोमांटिक कहानी है जो सुपर हीरो फिल्म इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक होगी प्रारूप के रूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह एक फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें सच्चाई ना हो या जो अविश्वसनीय हो तेलुगु फिल्म अभिनेता नागार्जुन ने भी इसकी पुष्टि है कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यह 2003 की फिल्म एल ओ सी कारगिल में उनकी उपस्थिति के बाद 19 साल बाद हिंदी सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक होगी मौनी राय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वो यह एक फिल्म एकमात्र प्रतिपक्षी हैं जून दो में मुखर्जी ने घोषणा की कि यह फिल्म एक त्रयी फ्रेंचाइजी का हिस्सा होगी और पहली किस्त के रूप में स्ट्रावर्स के तहत एक सिनेमाई ब्रह्मांड जो विभिन्न रहस्यमयी अस्त्रों के आसपास केंद्रित है अगस्त 2022 में रोनित राय ने पुष्टि की है कि फिल्में शाहरुख खान की एक कैमियों वाली भूमिका थी जिसमें शाहरुख खान की भूमिका फिल्म स्वदेश 2004 के चरित्र पर स्पिन ऑफ है और अयान मुखर्जी ने थिएटर रिलीज से पहले साल दो, दो में कोविड उन्नीस महामारी के कारण रोक दिया गया था और बाद में नवम्बर में फिर से शुरू हुआ था और 2020 और फिल्मांकर 29 मार्च 2022 को वाराणसी में पूरा हुआ एस एस राजामौली के पिता के वी विजेंद्र प्रताप ने मुखर्जी के सामने फिल्म में कुछ बदलाव का प्रस्ताव रखा जिसके बाद चार दिनों तक दोबारा शूटिंग की गई और ये भी बताया गया कि फिल्म का उत्पादन बजट 410 करोड़ यूएस इक्यावन मिलियन था जो इसे रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक और अब तक की सबसे महंगी हिंदी फिल्म बना देगा हालांकि मुख्य अभिनेता रणबीर कपूर ने बाद में यह स्पष्ट किया कि इस बजट की फ्रेंचाइजी सभी तीन मुख्य किस्तों के निर्माण के लिए थी जो पहली बार फिल्म के निर्माण के दौरान बनाई गई संपत्ति का उपयोग भविष्य की किस्तों में किया जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन में अनुमान लगाया गया है कि निर्माताओं ने वी एफ एक्स पर एक सौ पचास करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इस फिल्म का वी एफ एक्स काम डी एन ई जी प्राइम फोकस कंपनी द्वारा किया गया है संपादन की देखरेख प्रकाश कुरूप ने की है प्रीतम के नेतृत्व में जाम आर्ट संगीत और धोनी डिजाइन स्टूडियो ने ध्वनि प्रभाव प्रदान किया है बी एफ एक्स स्टूडियो डी एन ई जी और रिफाइनी विदेशी टीम ने दृश्य प्रभाव तैयार किए हैं चिरंजीवी ने तेलुगु संस्करण के लिए आवाज़ दी है और रणवीर और आलिया ने सितंबर 2020 में बांदा के एक स्टूडियो में अपनी डबिंग हिस्से की शूटिंग की है और इस फिल्म में प्रीतम प्रसाद रास्ते और जिसमें सत्या मेघ बोस और तनुज टीको और केतन सोढ़ा के साथ बैकग्राउंड स्कोरो तैयार किया गया है साउंड ट्रैक तैयार करते समय जबकि गाने ब्रिटिश संगीतकार स्टील बैंगलेज द्वारा निर्मित और मिश्रित किए गए हैं अमिताभ बच्चन द्वारा लिखे गए गीतों द्वारा और अभिताभ द्वारा लिखे गए गीतों के साथ भट्टाचार्य स्कोर स्क्रीनों स्टेज बियान में रिकॉर्ड किया गया था फिल्म का शीर्षक साउंडट्रैक एल्बम आधिकारिक तौर पर 6 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर स्ट्रीमिंग प्रारूपों और डिजिटल खुदरा विक्रेताओं के लिए जारी किया गया था ब्रह्मास्त्र भाग एक सिवा दो की सबसे प्रशिक्षित हिंदी रिलीज में से एक थी फिल्म का शीर्षक लोगों को 4 मार्च 2019 को सामने आया उसी दिन कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर इसका अनावरण किया गया था इसे बनाने के लिए आकाश को रोशन करने के लिए 150 ड्रोन का उपयोग किया गया था ब्रह्मास्त्र का आधिकारिक लोगों ने 6 मार्च 2019 जार को जारी किया था जबकि एस एस राजा मौली को इसकी दक्षिण भारतीय भाषा संस्करणों के लिए फिल्म के प्रस्तुतकर्ता के रूप में काम करते हुए और धनुष ने इसे तेलुगु तमिल मलयालम और प्रस्तुत किया था जिसे मार्च 2019 को कन्नड़ संस्करण एक बयालीस सेकेंड मोशन लोगों में भी जारी किया गया था जिसमें बच्चन का वॉयस ओवर था इसके अलावा बारह मार्च को मोशन लोगों के लिए संगीत स्कोर बनाने का एक प्रचारमत प्रचारात्मक पर्दे के पीछे का वीडियो जारी किया गया था जिसमें फिल्म के संगीतकार प्रीतम शामिल थे पाँच अप्रैल 2019 को शीर्षक लोगों के आकाश में अनावरण के निष्पादन का प्रचारात्मक पर्दे के पीछे का वीडियो जारी किया गया था और कपूर के तत्कालीन अज्ञात चरित्र की विशेषता वाला एक मोशन पोस्टर 14 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था अगले दिन उनके चरित्र शिव की विशेषता वाला एक और मोशन पोस्टर 15 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था जबकि एक प्रशंसक पोस्टर लॉन्च के समर्थन में नई दिल्ली में कुछ घंटे पहले कार्यक्रम आयोजित किया गया था और फिल्म के स्टीमिंग पार्टनर डिजनी प्लस हॉट स्टार ने अपने प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर इसका सीधा प्रसारण किया था और 19 दिसंबर 2021 को मोशन मोशन प्रोडक्शन के तहत तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ संस्करणों को लॉन्च करने के लिए हैदराबाद एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सोलह मार्च दो को एक पोस्टर और भट्ट के चरित्र ईसा का पहला प्रस्तावना जारी किया था जिसे 26 मार्च 2022 को मुखर्जी कपूर और भट्ट को चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2022 के उद्घाटन मैच के दौरान स्टार स्पोर्ट के पोस्ट क्रिकेट शो के हिस्से के रूप में बयाजू के क्रिकेट लाइव सेगमेंट में दिखाया गया था जबकि कपूर दिखाई दिए थे और खेल की घोषणा एक टेलीविज़न विज्ञापन की फिल्म के समापन की स्मृति में एक प्रचार घोषणा और वीडियो उनतीस मार्च दो को जारी किया गया था जिसे 10 अप्रैल 2022 को कपूर और भट्ट के पात्रों की विशेषता वाला एक मोशन प्रोडक्शन और गाने पर सेट किया गया था केसरिया अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया था एक स्थित संस्करण के साथ रिलीज किया गया था और उक्त गीत के तेलुगु संस्करण का टीजर शीर्षक शीर्षका शीर्षक कुकुमाला है जिसे सिट श्री राम ने गाया है और 27 मई 2022 को राजा मौली द्वारा जारी और प्रस्तुत किया गया था जिसे 31 मई 2022 को फिल्म का टीजर ट्रेलर जारी किया गया था जिसमें आधिकारिक ट्रेलर की रिलीज तिथि का भी खुलासा किया गया था इसकी रिलीज के समर्थन में विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम और प्रशंसक मीट एंड ग्रीट आयोजित किया गया था बच्चन के चरित्र गुरु और नागार्जुन के चरित्र अनीस का फर्स्ट पुष्ट जून के दूसरे सप्ताह के दौरान जारी किया गया था और 13 जून 2022 को एक घोषणा का वीडियो जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि अभिनेता चिरंजीवी फिल्म के तेलुगु डब संस्करण के लिए कपूर के चरित्र शिवा को अपनी आवाज़ देंगे और अपने अगले दिन राय के चरित्र जुनून का फर्स्ट पुष्ट लोक पोस्टर जारी किया जिसे 15 जून 2022 को फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया था इसके समर्थन में एक कार्यक्रम के साथ जिसमें मुंबई में रिलीज के एक दिन पहले ट्रेलर की पूर्वलोकन स्क्रीनिंग शामिल है ट्रेलर का फोर के संस्करण चार दिन बाद जारी किया गया था जिसे 13 जुलाई 2022 को द विज़न ऑफ ब्रह्मास्त्र नामक एक प्रमोशनल फिक्चर जिसमें मुखर्जी ने एक्ट एस्ट्रावर्स नामक विभिन्न शास्त्रों के रहस्यमी ब्रह्मांड की व्याख्या की है और इसके पीछे की रचनात्मक दृष्टि को जारी किया गया है जिसे 17 जुलाई 2022 को रिलीज होने के कुछ घंटे पहले गीत केसरिया का अनावरण भट्ट और मुखर्जी द्वारा इंस्टाग्राम पर आयोजित एक लव लाइव स्ट्रीमिंग में किया गया था जिसमें उन्होंने ट्रैक के निर्माण के बारे में भी चर्चा की थी और 31 जुलाई 2022 को विभिन्न शास्त्रों के दृश्यों वाला एक इंस्टाग्राम फिल्टर जारी किया गया था जिसमें 6 अगस्त 2022 को एक पिक्चर जारी किया गया था जिसमें मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र त्रयी के लिए अपने दृष्टिकोण की शुरुआत से भाग एक सिवा तक की पूरी यात्रा और प्रक्रिया को साझा किया था फिल्म के साउंड ट्रैक के दूसरे गाने देवा देवा की एक थ्री पूर्व लोकन स्क्रीनिंग जिसे सिंह ने गाया था उस दिन भी मुंबई में आयोजित की गई थी सिंगल की रिलीज से दो दिन पहले अगस्त के दूसरे सप्ताह में यूट्यूब प्रीमियम के सहयोग से आप पार्टी लाइव स्ट्रीमिंग के प्रचार के लिए फिल्म के गानों की होर्डिंग्स न्यूयॉर्क सिटी और एल में लगाए जाए थे जिसे 18 अगस्त को सेवा पर आयोजित करने की घोषणा की गई थी जिसे 17 अगस्त 2022 को एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें मुखर्जी ने फिल्म के पीछे अपनी प्रेरणाओं के बारे में बताया जो बचपन में उनके द्वारा सुने गए किस्सों से जुड़ा हुआ था एक दिन के बाद पहले छेड़ा गया अपार्ट पार्टी लाइव स्ट्रीमिंग शस्त्र जिसे विशेष रूप से यूट्यूब प्रीमियम के माध्यम से सोनी म्यूजिक इंडिया के चैनल पर फिल्म के तीसरे गाने डांस का भूत समर्थन में मुखर्जी कपूर और भट्ट के साथ हुआ था प्रशंसकों के साथ बातचीत करना और फिल्म के संगीत निर्माण और प्रचार अभियान पर चर्चा करना कपूर के चरित्र का एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें गाने की पृष्ठभूमि संगीत के एक अंश के साथ साथ संगीत वीडियो को छेड़ा गया था जिसे 24 अगस्त 2022 को कपूर राजा मौली और नागार्जुन के नेतृत्व में चेन्नई में फिल्म के समर्थन में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसे 27 अगस्त 2022 को आईआईटी बॉम्बे में कपूर और भट्ट के साथ एक प्रमोशनल शिखर सम्मेलन के साथ साथ एक मुलाकात और अभिवादन आयोजित किया गया था जिसमें एक फ्री रिलीज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी जिसे 2 सितंबर 2022 को रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में आयोजित होने वाला था जिसमें अभिनेता जूनियर एन विशेष अतिथि होंगे और हालांकि अज्ञात कारणों से इसे अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था 30 अगस्त 2022 को फिल्म से कपूर के चरित्र सिवा के कुछ अंशों वाली एक क्लिप साझा की जो दस दिनों की उल्टी गिनती के हिस्से के रूप में थी जो तीस अगस्त से आठ सितंबर तक चली थी फिल्म की रिलीज के लिए काउंटडाउन के हिस्से के रूप में एक क्लिप जारी की गई थी जिसमें अगले दिन बच्चन ने चरित्र गुरु को दिखाया जिसमें मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने रिलीज की तारीख के रूप में 9 सितंबर 2022 को चुना क्योंकि उनका मानना है कि उनकी भाग्यशाली संख्या कपूर और भट्ट से स्पाइटिफाई इंडिया के एक विज्ञापन अभियान में एक साथ अभिनय किया जिसे फिल्म के सहयोग में जारी किया गया था जिसमें फिल्म के दो गाने के और डांस का भूत शामिल था एक सितंबर 2022 को विजन ऑफ ब्रह्मास्त्र फीचर के तेलुगू तमिल और कन्नड़ संस्करण में जारी किया गया था जिसमें राजा मौली स्ट्रावर्स के विषयों को समझाते हुए फिल्म की रिलीज़ की उल्टी गिनती वनरास्त्र पर परिचय देने वाली एक क्लिप के साथ जारी की जो उसी दिन रिलीज हुई मीडिया आउस लेट से अनुमान लगाया गया है कि शाहरुख खान की पुष्टि की गई कैमियों की उपस्थिति का हिस्सा 3 सितंबर 2022 को सिनेमाई घरों की टिकटों की अग्रिम बुकिंग करने की घोषणा के लिए हिंदी तेलुगु और तमिल के एक फ्री रिलीज प्रेम जारी किया गया था जिसे 4 सितंबर को फिल्म के एक्शन दृश्यों और उनके फिल्मांकन और कोरियोग का एक फीचर साझा किया गया था छह सितंबर दो को फिल्म की थ्री डी फैन प्रीव्यू स्क्रीनिंग की घोषणा की गई जो फिल्म की रिलीज के एक दिन पहले 8 सितंबर को कपूर और भट्ट की मुखर्जी के साथ मुंबई में आयोजित की गई थी टिकट पीवीआर वी सिनेमाज के वेब स्टोज पर उपलब्ध थी और घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर बिक भी गए थे फिल्म के प्रचार के लिए नई दिल्ली में मुखर्जी और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ एक प्रशंसक मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया था और ब्रह्मास्त्र भाग वन शिवा को नौ सितंबर 2022 को मानक प्रारूप 3D डी आई मैक्स थ्री डी आई फोर में रिलीज किया गया था ये फिल्म भारत में स्टार स्टूडियो द्वारा हिंदी तमिल तेलुगु, मलयालम कन्नड़ भाषाओं में रिलीज की गई थी तेलुगु फिल्म निर्देशक एस एस राजा मौली के बाद चार दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब संस्कृत प्रस्तुत किए गए थे डिजनी द्वारा इक्कीसवीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण और फॉक्स स्टार स्टूडियो की रिबांडिंग के बाद यह स्टार स्टूडियो नाम से रिलीज हुई पहली फिल्म थी यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बीसवीं सेंचुरी स्टूडियो द्वारा और दुनिया भर में उसी दिन वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी इसने भारत में पाँच सौ से अधिक यानी किसे भारत में पाँच हज़ार स्क्रीनों पर अपने विदेशों में तीन हज़ार स्क्रीनों पर दुनिया भर में कुल आठ हज़ार स्क्रीनों पर दिखाया गया था जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी स्क्रीन थी फिल्म ने अपनी रिलीज से एक दिन पहले आठ सितंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भुगतान पूर्वलोकन की योजना बनाई थी फिल्म को मूल रूप से तेईस दिसंबर 2016 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी लेकिन उत्पादन में देरी और मौद्रिक बाधाओं के कारण बाद में कोविड 19 महामारी के कारण कई वर्षों की देरी हुई अक्टूबर 2017 में फिल्म को 15 अगस्त 2019 को रिलीज करने की घोषणा थी फिल्म के दृश्य प्रभाव और संगीत पर लंबित काम के कारण ब्रह्मास्त्र को क्रिसमस 2019 और फिर 2020 की गर्मियों तक बढ़ाया दिया गया था फरवरी 2020 में इसकी रिलीज की तारीख 4 दिसंबर 2020 की घोषणा की गई थी हालांकि भारत में कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज़ अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो गई थी दिसंबर 2021 में 9 सितंबर 2022 की अंतिम रिलीज की तारीख की घोषणा की गई और 2 सितंबर 2022 को स्टार इंडिया द्वारा दायर एक मुकदमे के बाद दिल्ली उच्चारण ने एक अंतरिम आदेश के तहत अट्ठारह हरवरी आरा पायरेसी वेबसाइटियों को इंटरनेट पर फिल्म को अवैध रूप से स्ट्रीम करने के लिए रोक दिया गया था और इस फिल्म के विवाद के बारे में भी हम बताते चलें तो रिलीज से पहले दक्षिणापंथी हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा फिल्म का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था जो बॉलीवुड की सभी फिल्मों का विरोध कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्योग में हिंदू विरोधी भावनाएं प्रचलित थीं कपूर का एक पुराना साक्षात्कार जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि उन्हें गोमांस खाना पसंद है जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से लोकप्रियता मिली गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है परिणाम स्वरूप हिंदू राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल के सदस्यों ने कपूर और आलिया भट्ट को उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करने से रोक दिया था और इसे 17 सितंबर 2022 को डिजनी के अंतर्राष्ट्रीय सामग्री और संचालन के अध्यक्ष रिबेका कैपेल ने डिजनी प्लस हर्स्ट स्टार की सफलता के बारे में द इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए पुष्टि की कि फिल्म यू में हुलू लैटिन अमेरिका में स्टार प्लस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजनी प्लस स्टीमिंग होगी फिल्म का डिजिटल प्रीमियम 4 नवंबर 2022 को अमेरिका में हुलू और भारत और समग्र एशिया में डिजनी प्लस हाथ स्टार पर हुआ है उसी दिन फिल्म का एक अंग्रेजी डब भी जारी किया गया था फिल्म अपने अंग्रेजी डब के साथ साथ दिसंबर 2022 को डिजनी प्लस हाथ स्टार पर रिलीज हुई थी एस द्वारा निर्मित है जौहर नमित मल्होत्रा और मुखर्जी अपने पहले प्रोडक्शन में धर्मा प्रोडक्शन स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत स्टार स्टूडियो के सहयोग से रणबीर कपूर और के डिसूजा साथ यह फिल्म एक योजनाबद्ध त्रयी की पहली किस्त के रूप में कार्य करती है जिसमें वह स्वयं स्टावर्स नाम सिनेमाई ब्रह्मांड का हिस्सा बनने की योजना है और इसमें अमिताभ बच्चन कपूर आलिया भट्ट मौनी राय और अक्कीनी नागार्जुन सहित कलाकारों की टोली शामिल है जबकि शाहरुख खान और दीपिका पातकोट कैमियो भूमिका में दिखाई देती हैं फिल्म के गाने प्रीतम द्वारा रचित हैं और साउंड ट्रैक गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों से प्रेरणा लेते हुए कहानी शिवा पर आधारित है जो आतिशबाजी शक्तियों से युक्त एक अनाथ संगीतकार है जिसे पता चलता है कि वो एक अस्त्र है जो विशाल ऊर्जा का एक हथियार भी है और वह सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र को उन अघोरी ताकतों के हाथों में पकड़ने से रोकने का प्रयास करता है जिनका इतिहास उनके साथ साझा है तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने और इस फिल्म को लिखा है अयन मुखर्जी हुसैन दलाल ने उत्पादित किया है करण जौहर अपूर्व मेहता हीरोस जौहर नमित मल्होत्रा अयन मुखर्जी और रणबीर कपूर और मारिके डिसूजा ने और इस फिल्म को अभिनित किया है रणबीर कपूर अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी राय नागार्जुन अक्कीनेी ने और इस फिल्म को छायांकित किया है बी मणिकंदन पंकज कुमार और सुदीप चटर्जी विकास नौलखा पैट्रिक डेसूजा और इस फिल्म को संपादित किया है प्रकाश कुरूप ने और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम जी ने उत्पादन कंपनी है स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स तो फिर इस फिल्म को वितरित किया है स्टार स्टूडियो ने और यह मूवी रिलीज हुई थी 9 सितंबर 2022 को देश भारत भाषा हिंदी में अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था तीन से चार करोड़ रुपये का तो फ्रेंड्स अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था चार सौ का तो इस फिल्म की कल्पना सबसे पहले मुखर्जी ने 2011 में की जिसके तहत मुख्य तत्व भारतीय इतिहास और बचपन में सुनी कहानियों से प्रेरित थी इसके विकास पहली बार जुलाई दो में और दो के लिए नियोजित रिलीज के साथ सामने आया था लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2017 में हुई जिसमें खुलासा हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र होगा और यह एक त्रयी योगी होगी जो प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक चली जिसमें बुल्गारिया लंदन न्यूयॉर्क शहर एडिनबर्ग थाईलैंड मलानी मुंबई और वाराणसी सहित फिल्मांकन स्थान शामिल थे फिल्म के निर्माण और रिलीज में कई बार देरी हुई पहले उत्पादन में देरी और मैट्रिक मौद्रिक बाधाओं के कारण और बाद में कोविड 19 महामारी के कारण ब्रह्मास्त्र भाग एक शिवा को नाटकीय रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया है यह डिजनी द्वारा इक्कीसवीं सिचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के बाद स्टार स्टूडियोज नाम के तहत रिलीज किया गया है पहला प्रोडक्शन था फिल्म को प्रदर्शन दृश्य प्रभाव साउंड ट्रैक संगीत स्कोर और एक्शन दृश्यों के लिए मिश्रित समीक्षाएँ मिली हैं जबकि आलोचना संवाद की और निर्देशित थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही है दुनिया भर में इसने चार करोड़ यूएस चौवन मिलियन से अधिक की अनुमानित कमाई के साथ यह दो की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है जो सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है और 2022 की फिल्में दो सीक्वल एक साथ विकसित किए जा रहे हैं और क्रमशः दिसंबर 2026 और दिसंबर 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को हम शुरू करते हैं तो यह कहानी है प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ऊर्जा ब्रह्म शक्ति से टकराता है जो अस्त्र नामक महान शक्ति के कई दिव्य हथियारों का उत्पादन करती है उनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ब्रह्मास्त्र जो दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है अस्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग करते हैं और दुनिया को अस्त्रों की शक्तियों से बचाने के लिए एक गुप्त समाज ब्रह्मास्त्र बना जाते हैं और वर्तमान में मुंबई में शिवा एक डिस्क जाकी को लंदन निवासी ईशा चटर्जी से पहली नज़र में प्यार हो जाता है जो अपने दादा के पंडाल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई है और जल्द ही ईशा प्रतिक्रिया करती है कि और शिवा के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है शिवा उसे बताता है कि वो एक अनाथ है जो अपने पिता को कभी नहीं जानता और वो जब बच्चा था तो सन उन्नीस को उसकी माँ की आग में जलकर मृत्यु हो गई थी इसी बीच दिल्ली में वैज्ञानिक ब्रह्मास्त्र सदस्य मोहन भार्गो पर ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के लिए जोर और रफ्तार द्वारा हमला किया जाता है जिससे वो सुरक्षित रखते हैं मोहन वनरास्त्र का उपयोग करके वापस लड़ते हैं लेकिन अंत में जुनून द्वारा वश में कर लिया जाता है जो दो देव नामक रहस्यमय बुराई के लिए काम करते हैं जुनून के कब्जे में वो वस मुकुट का उपयोग कर रहा था जो मोहन ने खुलासा किया और ब्रह्मशास्त्र का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में आ, अनीश शेट्टी नामक एक कलाकार और पुरातत्वविद द्वारा संरक्षित किया गया था इससे पहले कि वो ब्रह्मास एक श्रम के वर्तमान स्थान और गुरु को बता सके मोहन खुद को बालकनी से बाहर फेंक देता है और शिव को जुनून के साथ मोहन की मुठभेड़ का आभास होता है क्योंकि उसके एक हाथ में अग्निशास्त्र का एक टुकड़ा बांधा हुआ है और वो शिव किसी तरह उससे लड़ता हुआ जाता है और वो ईशा अनीस को चेतावनी देने के लिए वाराणसी की ओर जाते हैं लेकिन रफ्तार जो अब मोहन के वनरास्त का उपयोग करते हैं और उसे बाधित करते हैं शिव और ईसा के साथ भागने से पहले अनीस ने नंदी अस्त्र का उपयोग करके उसे हरा दिया और हिमाचल प्रदेश जाते समय जहाँ एक श्रम स्थित है जो जुनून और जोर एक ट्रक में उनका पीछा करते हैं अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिवा को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए रुकता है लेकिन मारा जाता है फिर रफ्तार द्वारा शिव और ईसा का पीछा किया जाता है जहां शिव ने ईसा को मारने की कोशिश करने के बाद अपनी अग्नि की शक्ति का उपयोग करके उसे मार डाला इस श्रम में वे अन्य अस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिवा को अपने माता पिता के बारे में जानकारी के लिए गुरु रघु द्वारा ब्रह्मास्त्र में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है और वो अन्य नए रंगरूटों रानी रवीना शेर और तेंजिंग से मिलते हैं जिन्हें रघु द्वारा अपने अपने अस्त्रों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और शिवा भी आग पर नियंत्रण हासिल कर लेता है जैसे ही जुनून उनके करीब आता है रघु को पता चलता है कि पूर्ण ब्रह्मास्त्र सदस्यों देव और अमृता का बेटा है देव ने वास्तव में ब्रह्मास्त्र को जागृत किया है क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति थे जो एक कई साथ अस्त्रों को नियंत्रित करने में सक्षम थे देव की पत्नी अमृता यानी कि देव के बच्चे से गर्भवती है जो जलास्त्र चलाती थी एक सुदूर द्वीप पर युद्ध में देव को हरा दिया और वे दोनों युद्ध से नष्ट हो गए थे अमृता की नाव युद्ध के खंडहरों में पाई गई थी जिसे ब्रह्मास्त्र के दो टुकड़े हुए टुकड़े के साथ दीप के वापस लाया गया ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीस दोनों को दिए गए माना जाता है कि तीसरा टुकड़ा गायब था रघु और शिवा ने निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों युद्ध में बच गए हैं ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमृता के माया शास्त्र में शंख के रूप में छिपा हुआ है जिसे रघु संख पर शिव का रक्त गिराकर छोड़ देते हैं और जुनून और उसी सेना ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंचती है और सभी को बंधक बना लेती है तब शिव ने जुनून को हरा दिया और जोर को भी मार डाला जिसने अनीस के नंदी अस्त्र का उपयोग किया था और सभी को रिहा कर दिया था लेकिन जुनून ईसा ने तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मास्त्र को शक्ति करने के लिए खुद को बलिदान कर देती है विनाश शुरू हो जाता है और ईशा खतरे में पड़ जाती है लेकिन शिवा ईशा की सुरक्षा से उपजी नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर नियंत्रण हासिल कर लेती है और उसके साथ फिर से जुड़ जाती है क्रेडिट से पहले जुनून द्वारा ब्रह्मास्त्र सक्रिय करने के कारण देव जिसे एक अज्ञात द्वीप पर एक मूर्ति के रूप में कैद किया गया था रिहा कर दिया गया है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो शिव अमृता के देव के बेटे के रूप में रणवीर कपूर एक अनाथ और ब्राह्मण वंश का एक नया सदस्य है जिसके पास अग्निशास्त्र की शक्ति है अग्निशास्त्र का शस्त्र अपने भीतर शिशु शिव के रूप में निवान गुप्ता हैं अमिताभ बच्चन रघु उर्फ गुरु जी के रूप में ब्राह्मणों के गुरु और उनके नेता भी हैं और प्रशास्त्र धारण करते हैं ईसा चटर्जी के रूप में आलिया भट्ट हैं जो लंदन की एक एन आर आई और शिवा की प्रेमिका चरित्र हिंदू देवी पार्वती पर आधारित हैं जुनून के रूप में मौनी राय हैं जो देव की दाहिनी हाथ वाली महिला जो कवचास्त्र का उपयोग करती हैं और ब्रह्मास्त्र का पुनर्जीवित करने और देव को मुक्त करने का लक्ष्य रखती हैं अनिस शेट्टी के रूप में नागार्जुन अक्कीने हैं जो एक कलाकार वास्तुकार पुरातत्वविद और नंदी अस्त चलाने वाले ब्राह्मण वंश के सदस्य हैं डिम्पल कपाड़िया ब्रह्मास्त्र के सदस्य हैं सावित्री देवी के रूप में हैं जो शेर के रूप में गुरु फतेह फिर ज्यादा हैं जो ब्राह्मणों का एक नया सदस्य है जो नाग धनुष धारण करता है स्टैनिजन डेलेक् तेंजसिंग के रूप में ब्राह्मणों का एक नया भर्ती व्यक्ति जिसने वनरास्त्र का उपयोग किया था वो पवनरास्त्र का उपयोग कर रहा है इस समय लहर खान रवीना के रूप में ब्राह्मणों की एक नई भर्ती जो गजास्त्र का उपयोग करती है रानी के रूप में अदिति जोशी हैं जो ब्राह्मण वंश की एक नई भर्ती हैं जिसके पास आयु मुद्रिका है और संस्था के पास एक मार्कट सोनी है जो ब्रह्मास की एक नई भर्ती है और उनकी तकनीकी आदमी जो चचाक चलाना जानती हैं सौरव गुर्जर जोर के रूप में जुनून का एक गुर्गा है जिसने अनीस के नंदी अस्त्र को चुरा लिया था रुल्लाह गाजी रफ्तार के रूप में जुनून का एक और गुरगा है जिसने मोहन से वनरास्त चुराया है चैतन्य शर्मा टाइगर हैं जो शिव के दोस्त के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और साइना के रूप में राशि मल हैं जो ईसा की चचेरी बहन हैं ईसा के चचेरे भाई सनी के रूप में रोहन रुस्तमजी हैं फरीदा देवी मौसी शिवा की मकान मालकिन के रूप में हैं और ईसा के दादा के रूप में रियाज मकानी हैं और मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान एक स्पेसिद्ध खगोल विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक और ब्राह्मण वंश के सदस्य हैं जिनके पास वनरास्त्र था अमृता के रूप में दीपिका पादकोण और शिवा की माँ देव पत्नी और जलास्त्र धारण करने वाली ब्राह्मण वंश की पूर्व सदस्य भी हैं तो फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में तो ब्रह्मास्त्र का विचार भाग एक सिवा पहली बार 2011 में मुखर्जी के पास उनकी दूसरी फिल्म ये जवानी है दीवानी 2013 की पठक कथा लिखते समय आया था जब मुखर्जी ने पहली बार जुलाई 2014 में घोषणा की कि वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अक्टूबर 2017 में ब्रह्मास्त्र की आधिकारिक तौर पर निर्माता करण द्वारा घोषणा की गई थी मुखर्जी को निर्देशक के रूप में साइन किया गया था जबकि रणवीर कपूर आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन अभिनय करने के लिए तैयार थे प्रारंभ में फिल्म का कार्यभार शीर्षक ड्रैगन था लेकिन 2017 में आधिकारिक तौर पर इसका शीर्षक ब्रह्मास्त्र रखा गया था मुखर्जी ने बताया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान ऊर्जा और शक्ति से मेल खाता है जो मुखर्जी ने यह भी बताया कि यह प्राचीन तत्वों वाली एक समकालीन फिल्म है दो में करण जौहर ने फिल्म को फिल्म के त्रयी में बनाने की योजना बनाई और इसका खुलासा किया फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 में शुरू की गई थी और एक साक्षात्कार में कपूर ने कहा कि रानी मुखर्जी ने एक मूल कहानी बनाने के लिए अपने जीवन के छः साल कड़ी मेहनत की और यह एक तय दस साल की अवधि में बनाई जाएगी और उन अफवाहों का खंडन किया और यह एक रोमांटिक कहानी है जो सुपर हीरो फिल्म इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक होगी प्रारूप के रूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह एक फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें सच्चाई ना हो या जो अविश्वसनीय हो तेलुगु फिल्म अभिनेता नागार्जुन ने भी इसकी पुष्टि है कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यह 2003 की फिल्म एल ओ सी कारगिल में उनकी उपस्थिति के बाद 19 साल बाद हिंदी सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक होगी मौनी राय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वो यह फिल्म एकमात्र प्रतिपक्षी हैं जून 2022 में मुखर्जी ने घोषणा की कि यह फिल्म एक त्रयी फ्रेंचाइजी का हिस्सा होगी और पहली किस्त के रूप में स्ट्रावर्स के तहत एक सिनेमाई ब्रह्मांड जो विभिन्न रहस्यमय अस्त्रों के आसपास केंद्रित है अगस्त 2022 में रोनित राय ने पुष्टि की है कि में शाहरुख खान की एक कैमियों वाली भूमिका थी जिसमें शाहरुख खान की भूमिका फिल्म स्वदेश 2004 के चरित्र पर स्पिन ऑफ है और अयान मुखर्जी ने थिएटर रिलीज से पहले साल दो हजार मुखर्जी ने थिएटर रिलीज से नौ साल पहले काम शुरू किया था फ्री प्रोडक्शन का काम 2014 में शुरू हुआ और फिल्मांकन 2018 में शुरू हुआ फरवरी 2018 में बच्चन और कपूर ने मुखर्जी की उपस्थिति में लुक टेस्ट किया था जुलाई 2022 में रानी मुखर्जी दो हज़ार जी द्वारा विभिन्न अस्त्रों के रहस्यमय ब्रह्मांड को समझाते हुए एक वीडियो जारी किया गया था और उन्होंने बताया कि कैसे ब्रह्म शक्ति से अस्त्रों का जन्म हुआ जो प्राकृतिक में पाई जाने वाली सभी विभिन्न ऊर्जाओं जैसे जलास्त्र पवनास्त्र शास्त्र का निर्माण करते हैं और उन्होंने अस्त्रों के बारे में भी बात की जो विभिन्न जानवरों की शक्तियों को संग्रहित करते हैं जैसे वनरास्त्र जो तो इसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को दिव्य बंदर की शक्ति दे सकता है और नंदी शस्त्र जिसमें एक हज़ार बैल की शक्ति और ताकत होती है वो अपने ब्रह्मांड से निकलने वाला अंतिम अस्त्र ब्रह्म शक्ति की सामूहिक शक्ति को लेकर जिसे सभी अस्त्रों का स्वामी कहा जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं या देवों के सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार में से एक बताया गया है ब्रह्मास्त्र मुखर्जी ने कहा कि मूल विचार हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों से प्रेरित था जो उन्होंने बचपन में अपने दादा से सुनी थी रा... आयान मुखर्जी ने खुलासा किया कि अभिनेता कपूर के चरित्र के पिछले चरित्र पीछे का प्रेरणा रूमी से मिली है जिन्होंने उनके चरित्र के लिए पहले लुक को भी प्रेरित किया है और कानून मुखर्जी ने फिल्म की नवी न्यू बनाने के लिए रूमी के काम प्यार आपके हर चीज के बीच का पुल है जिसे प्रेरणा ली है और बाद में उन्होंने खुलासा किया है कि रूमी प्रेरित लुक को हटा दिया गया था और कपूर ने इसके बजाय बाल कटवा लिए थे कपूर ने फिल्म के लिए लुक पोस्ट के अपने अनुभव का खुलासा करते हुए कहा कि यह एक कठिन काम है चिपकाना लगाना हटाना हटाना और दोबारा लगाना जब तक कि कोई निर्णय न आ जाए तो फैंस इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2018 में 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया था फिल्मांकन का दूसरा शेड्यूल उक्त देश में जारी रहा और फिर 8 जुलाई 2018 को लंदन जुलाई के अंत में न्यूयॉर्क और फिर महीने के अंत तक बुल्गारिया वापस एक फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में व्यापक शूटिंग शुरू हुई थी और 20 दिवसीय कार्यक्रम तीस जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले के, के और चेत सिंह किले में शुरू हुआ था फिल्मांकर मार्च 2022 में अंकन 2020 में कोविड 19 महामारी के कारण रोक दिया गया था और बाद में नवंबर में फिर से शुरू हुआ था और 2020 और फिल्मांकर उनतीस मार्च 2022 को वाराणसी में पूरा हुआ एस एस राजामौली के पिता के वी विजेंद्र प्रताप ने मुखर्जी के सामने फिल्म में कुछ बदलाव का प्रस्ताव रखा जिसके बाद चार दिनों तक दोबारा शूटिंग की गई और ये भी बताया गया कि फ़िल्म का उत्पादन बजट 410 करोड़ यू एस इक्यावन मिलियन था जो इसे रिलीज़ के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक और अब तक की सबसे महंगी हिंदी फिल्म बना देगा हालांकि मुख्य अभिनेता रणबीर कपूर ने बाद में यह स्पष्ट किया कि इस बजट की फ्रेंचाइजी सभी तीन मुख्य किस्तों के निर्माण के लिए थी जो पहली बार फिल्म के निर्माण के दौरान बनाई गई संपत्ति का उपयोग भविष्य की किस्तों में किया जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन में अनुमान लगाया गया है कि निर्माताओं ने वी एफ एक्स पर एक सौ पचास करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस फिल्म का वी एफ एक्स काम डी एन ई जी प्राइम फोकस कंपनी द्वारा किया गया है संपादन की देखरेख प्रकाश कुरूप ने की है प्रीतम के नेतृत्व में जाम आर्ट संगीत और ध्वनि डिजाइन स्टूडियो ने ध्वनि प्रभाव प्रदान किया है बी एफ एक्स स्टूडियो डी एन ई जी और रिफाइनी विदेशी टीम ने दृश्य प्रभाव तैयार किए हैं चिरंजीवी ने तेलुगु संस्करण के लिए आवाज़ दी है और रणवीर और आलिया ने सितंबर 2020 में बांदा के एक स्टूडियो में अपनी डबिंग हिस्से की शूटिंग की है और इस फिल्म में प्रीतम प्रसाद रास्ते और जिसमें सत्या मेघदी बोस और तनुज टीकू और केतन सोढ़ा के साथ बैकग्राउंड स्क्रो तैयार किया गया है साउंड ट्रैक तैयार करते समय जबकि गाने ब्रिटिश संगीतकार स्टील बैंगलेज द्वारा निर्मित और मिश्रित किए गए हैं अमिताभ बच्चन द्वारा लिखे गए गीतों द्वारा और अमिताभ द्वारा लिखे गए गीतों के साथ भट्टाचार्य स्कोर स्क्रीनों स्टेज बयान में रिकॉर्ड किया गया था फिल्म का शीर्षक साउंड ट्रैक एल्बम आधिकारिक तौर पर छः अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर स्टीमिंग प्रारूपों और डिजिटल खुदरा विक्रेताओं के लिए जारी किया गया था ब्रह्मास्त्र भाग एक सिवा दो की सबसे प्रशिक्षित हिंदी रिलीज में से एक थी फिल्म का शीर्षक लोगों को चार मार्च दो को सामने आया उसी दिन कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर इसका अनावरण किया गया था इसे बनाने के लिए आकाश को रोशन करने के लिए 150 ड्रोन का उपयोग किया गया था ब्रह्मास्त्र का आधिकारिक लोगों ने 6 मार्च 2019 को जारी किया था जबकि एस एस मौली को इसकी दक्षिण भारतीय भाषा संस्करणों के लिए फिल्म के प्रस्तुतकर्ता के रूप में काम करते हुए और धनुष ने इसे तेलुगू तमिल मलयालम और प्रस्तुत किया था जिसे मार्च 2019 को कन्नड़ संस्करण एक बयात बयालीस सेकेंड मोशन लोगों में भी जारी किया गया था जिसमें बच्चन का वॉयस ओवर था इसके अलावा बारह मार्च को मौसम लोगों के लिए संगीत स्कोर बनाने का एक प्रचार प्रचारात्मक पर्दे के पीछे का वीडियो जारी किया गया था जिसमें फिल्म के संगीतकार प्रीतम शामिल थे पाँच अप्रैल 2019 को शीर्षक लोगों के आकाश में अनावरण के निष्पादन का प्रचारात्मक पर्दे के पीछे का वीडियो जारी किया गया था और कपूर के तत्कालीन अज्ञात चरित्र की विशेषता वाला एक मोशन पोस्टर 14 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था अगले दिन उनके चरित्र शिव की विशेषता वाला एक और मोशन पोस्टर 15 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था जबकि एक प्रशंसक पोस्टर लॉन्च के समर्थन में नई दिल्ली में कुछ घंटे पहले कार्यक्रम आयोजित किया गया था और फिल्म के स्टीमिक पार्टनर डिजनी प्लस हॉट स्टार ने अपने प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर इसका सीधा प्रसारण किया था और 19 दिसंबर 2021 को मोशन प्रोडक्शन के तहत तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ संस्करणों को लॉन्च करने के लिए हैदराबाद एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 16 मार्च 2022 को एक पोस्टर और भट्ट के चरित्र ईसा का पहला प्रस्तावना जारी किया था जिसे 26 मार्च 2022 को मुखर्जी कपूर और भट्ट को चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आई के उद्घाटन मैच के दौरान स्टार स्पोर्ट के पोस्ट क्रिकेट शो के हिस्से के रूप में बयाजू के क्रिकेट लाइव सेगमेंट में दिखाया गया था जबकि कपूर दिखाई दिए थे और खेल की घोषणा एक टेलीविज़न विज्ञापन की फिल्म के समापन की स्मृति में एक प्रचार घोषणा और वीडियो उनतीस मार्च 2022 को जारी किया गया था जिसे 10 अप्रैल 2022 को कपूर और भट्ट के पात्रों की विशेषता वाला एक मोशन प्रोडक्शन और गाने पर सेट किया गया था केसरिया अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया था एक स्थित संस्करण के साथ रिलीज किया गया था और उक्त गीत के तेलुगु संस्करण का टीजर शीर्षक कुकुमूला जिसका शीर्षक कुकुमाला है जिसे सिट श्रीराम ने गाया है और सत्ताईस मई २०२२ को राजा मौली द्वारा जारी और प्रस्तुत किया गया था जिसे 31 मई 2022 को फिल्म का टीजर ट्रेलर जारी किया गया था जिसमें आधिकारिक ट्रेलर की रिलीज तिथि का भी खुलासा किया गया था इसकी रिलीज के समर्थन में विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम और प्रशंसक मीट एंड ग्रीट आयोजित किया गया था बच्चन के चरित्र गुरु और नागार्जुन के चरित्र अनीस का फर्स्ट पुष्ट जून के दूसरे सप्ताह के दौरान जारी किया गया था और 13 जून 2022 को एक घोषणा का वीडियो जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि अभिनेता चिरंजीवी फिल्म के तेलुगु डब संस्करण के लिए कपूर के चरित्र शिवा को अपनी आवाज़ देंगे और अपने अगले दिन राय के चरित्र जुनून का फर्स्ट पुष्ट लोक पोस्टर जारी किया जिसे 15 जून 2022 को फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया था इसके समर्थन में एक कार्यक्रम के साथ जिसमें मुंबई में रिलीज के एक दिन पहले ट्रेलर की पूर्वलोकन स्क्रीनिंग शामिल है ट्रेलर का फोर के संस्करण चार दिन बाद जारी किया गया था जिसे 13 जुलाई 2022 को द विज़न ऑफ ब्रह्मास्त्र नामक एक प्रमोशनल फिक्चर जिसमें मुखर्जी ने एक्ट ट्र... एक्स्ट्रावर्स नामक विभिन्न शास्त्रों के रहस्यमय ब्रह्मांड की व्याख्या की है और इसके पीछे की रचनात्मक दृष्टि को जारी किया गया है जिसे 17 जुलाई 2022 को रिलीज होने के कुछ घंटे पहले गीत के का अनावरण भट्ट और मुखर्जी द्वारा इंस्टाग्राम पर आयोजित एक लव लाइव स्ट्रीमिंग में किया गया था जिसमें उन्होंने ट्रैक के निर्माण के बारे में भी चर्चा की थी और 31 जुलाई 2022 को विभिन्न शास्त्रों के दृश्यों वाला एक इंस्टाग्राम फिल्टर जारी किया गया था जिसमें 6 अगस्त 2022 को एक पिक्चर जारी किया गया था जिसमें मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र त्रयी के लिए अपने दृष्टिकोण की शुरुआत से भाग एक सिवा तक की पूरी यात्रा और प्रक्रिया को साझा किया था फिल्म के साउंड ट्रैक के दूसरे गाने देवा देवा की एक थ्री पूर्व लोकन स्क्रीनिंग जिसे सिंह ने गाया था उस दिन भी मुंबई में आयोजित की गई थी सिंगल की रिलीज से दो दिन पहले अगस्त के दूसरे सप्ताह में यूट्यूब प्रीमियम के सहयोग से आप पार्टी लाइव स्ट्रीमिंग के प्रचार के लिए फिल्म के गानों की होर्डिंग्स न्यूयॉर्क सिटी और एल में लगाए जाए थे जिसे 18 अगस्त को सेवा पर आयोजित करने की घोषणा की गई थी जिसे 17 अगस्त 2022 को एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें मुखर्जी ने फिल्म के पीछे अपनी प्रेरणाओं के बारे में बताया जो बचपन में उनके द्वारा सुने गए किस्सों से जुड़ा हुआ था एक दिन के बाद पहले छेड़ा गया अपार्ट पार्टी लाइव स्ट्रीमिंग शस्त्र जिसे विशेष रूप से यूट्यूब प्रीमियम के माध्यम से सोनी म्यूजिक इंडिया के चैनल पर फिल्म के तीसरे गाने डांस का भूत समर्थन में मुखर्जी कपूर और भट्ट के साथ हुआ था प्रशंसकों के साथ बातचीत करना और फिल्म के संगीत निर्माण और प्रचार अभियान पर चर्चा करना कपूर के चरित्र का एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें गाने की पृष्ठभूमि संगीत के एक अंश के साथ साथ संगीत वीडियो को छेड़ा गया था जिसे 24 अगस्त 2022 को कपूर राजा मौली और नागार्जुन के नेतृत्व में चेन्नई में फिल्म के समर्थन में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसे 27 अगस्त 2022 को आईआईटी बॉम्बे में कपूर और भट्ट के साथ एक प्रमोशनल शिखर सम्मेलन के साथ साथ एक मुलाकात और अभिवादन आयोजित किया गया था जिसमें एक फ्री रिलीज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी जिसे 2 सितंबर 2022 को रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में आयोजित होने वाला था जिसमें अभिनेता जूनियर एन विशेष अतिथि होंगे और हालांकि अज्ञात कारणों से इसे अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था 30 अगस्त 2022 को फिल्म से कपूर के चरित्र सिवा के कुछ अंशों वाली एक क्लिप साझा की जो दस दिनों की उल्टी गिनती के हिस्से के रूप में थी जो तीस अगस्त से आठ सितंबर तक चली थी फिल्म की रिलीज़ के लिए काउंटडाउन के हिस्से के रूप में एक क्लिप जारी की गई थी जिसमें अगले दिन बच्चन ने चरित्र गुरु को दिखाया जिसमें मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने रिलीज की तारीख के रूप में 9 सितंबर 2022 को चुना क्योंकि उनका मानना है कि उनकी भाग्यशाली संख्या कपूर और भट्ट से स्पाइटिफाई इंडिया के एक विज्ञापन अभियान में एक साथ अभिनय किया जिसे फिल्म के सहयोग में जारी किया गया था जिसमें फिल्म के दो गाने केसरिया और डांस का भूत शामिल था एक सितंबर 2022 को विजन आप ब्रह्मास्त्र फीचर के तेलुगु तमिल और कन्नड़ संस्करण में जारी किया गया था जिसमें राजा मौली स्ट्रावर्स के विषयों को समझाते हुए फिल्म की रिलीज की उल्टी गिनती वनरास्त्र पर परिचय देने वाली एक क्लिप के साथ जारी की जो उसी दिन रिलीज हुई मीडिया आउस अलाउलेट से अनुमान लगाया गया है कि शाहरुख खान की पुष्टि की गई कैमियों की उपस्थिति का हिस्सा 3 सितंबर 2022 को सिनेमाई घरों की टिकटों की अग्रिम बुकिंग करने की घोषणा के लिए हिंदी तेलुगु और तमिल के एक फ्री रिलीज प्रेमियों जारी किया गया था जिसे 4 सितंबर को फिल्म के एक्शन दृश्यों और उनके फिल्मांकन और कोरियो का एक फीचर साझा किया गया था छह सितम्बर दो को फिल्म की थ्री डी फैन रिव्यू स्क्रीनिंग की घोषणा की गई जो फिल्म की रिलीज के एक दिन पहले 8 सितंबर को कपूर और भट्ट की मुखर्जी के साथ मुंबई में आयोजित की गई थी टिकट पीवीआर वी सिनेमाज के वेब स्टोज पर उपलब्ध थी और घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर बिक भी गए थे फिल्म के प्रचार के लिए नई दिल्ली में मुखर्जी और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ एक प्रशंसक मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया था और ब्रह्मास्त्र भाग वंश शिवा को 9 सितंबर 2022 को मानक प्रारूप 3D IMAX 3D I4DX 3D में रिलीज़ किया गया था ये फिल्म भारत में स्टार स्टूडियो द्वारा हिंदी तमिल तेलुगु, मलयालम कन्नड़ भाषाओं में रिलीज की गई थी तेलुगु फिल्म निर्देशक एस एस राजा मौली के बाद चार दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब संस्करण प्रस्तुत किए गए थे डिजनी द्वारा इक्कीसवीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण और फॉक्स स्टार स्टूडियो की रिबांडिंग के बाद यह स्टार स्टूडियो नाम से रिलीज हुई पहली फिल्म थी यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बीसवीं सेंचुरी स्टूडियो द्वारा और दुनिया भर में उसी दिन वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी इसने भारत में पाँच सौ से अधिक यानी कि इसे भारत में पाँच हज़ार स्क्रीनों पर अपने विदेशों में तीन हज़ार स्क्रीनों पर दुनिया भर में कुल आठ हज़ार स्क्रीनों पर दिखाया गया था जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी स्क्रीन थी फिल्म ने अपनी रिलीज से एक दिन पहले 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भुगतान पूर्वलोकन की योजना बनाई थी फिल्म को मूल रूप से तेईस दिसंबर 2016 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी लेकिन उत्पादन में देरी और मौद्रिक बाधाओं के कारण बाद में कोविड 19 महामारी के कारण कई वर्षों की देरी हुई अक्टूबर 2017 में फिल्म को 15 अगस्त 2019 को रिलीज करने की घोषणा थी फिल्म के दृश्य प्रभाव और संगीत पर लंबित काम के कारण ब्रह्मास्त्र को क्रिसमस 2019 और फिर 2020 की गर्मियों तक बढ़ाया दिया गया था फरवरी 2020 में इसकी रिलीज की तारीख 4 दिसंबर 2020 की घोषणा की गई थी हालांकि भारत में कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो गई थी दिसंबर 2021 में 9 सितंबर 2022 की अंतिम रिलीज की तारीख की घोषणा की गई और दो सितम्बर दो को स्टार इंडिया द्वारा दायर एक मुकदमे के बाद दिल्ली उच्चारायण ने एक अंतरिम आदेश के तहत अट्ठारह फरवरी अठारह पायरेसी वेबसाइटियों को इंटरनेट पर फिल्म को अवैध रूप से स्ट्रीम करने के लिए रोक दिया गया था और इस फिल्म के विवाद के बारे में भी हम बताते चलें तो रिलीज से पहले दक्षिणापंथी हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा फिल्म का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था जो बॉलीवुड की सभी फिल्मों का विरोध कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्योग में हिंदू विरोधी भावनाएं प्रचलित थीं कपूर का एक पुराना साक्षात्कार जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि उन्हें गोमांस खाना पसंद है जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से लोकप्रियता मिली गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है परिणाम स्वरूप हिंदू राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल के सदस्यों ने कपूर और आलिया भट्ट को उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करने से रोक दिया था और इसे सत्रह सितंबर दो हज़ार बाईस को डिजनी के अंतर्राष्ट्रीय सामग्री और संचालन के अध्यक्ष रिबेका कैपेल ने डिजनी प्लस हर्स्ट स्टार की सफलता के बारे में द इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए पुष्टि की कि फिल्म यू में हुलू लैटिन अमेरिका में स्टार प्लस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजनी प्लस स्टीमिंग होगी फिल्म का डिजिटल प्रीमियम 4 नवंबर 2022 को अमेरिका में हुलू और भारत और समग्र एशिया में डिजनी प्लस हाथ स्टार पर हुआ है उसी दिन फिल्म का एक अंग्रेजी डब भी जारी किया गया था फिल्म अपने अंग्रेजी डब के साथ साथ दिसंबर 2022 को डिजनी प्लस हाथ स्टार पर रिलीज हुई थी स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत स्टार स्टूडियो के सहयोग से रणबीर कपूर और के के साथ ये फिल्म एक योजनाबद्ध त्रयी की पहली किस्त के रूप में कार्य करती है जिसमें वह स्वयं स्टावर्स नाम सिनेमाई ब्रह्मांड का हिस्सा बनने की योजना है और इसमें अमिताभ बच्चन कपूर आलिया भट्ट मौनी राय और अक्की नेनी, नागार्जुन सहित कलाकारों की टोली शामिल है जबकि शाहरुख खान और दीपिका पातकोट कैमियो भूमिका में दिखाई देती हैं फिल्म के गाने प्रीतम द्वारा रचित हैं और साउंड ट्रैक गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों से प्रेरणा लेते हुए कहानी शिवा पर आधारित है जो आतिशबाजी शक्तियों से युक्त एक अनाथ संगीतकार है जिसे पता चलता है कि वो एक अस्त्र है जो विशाल ऊर्जा का एक हथियार भी है और वो सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रम्भास्त को उन अघोरी ताकतों के हाथों में पकड़ने से रोकने का प्रयास करता है जिनका इतिहास उनके साथ साझा है तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने और इस फिल्म को लिखा है अयान मुखर्जी हुसैन दलाल ने उत्पादित किया है करण जौहर अपूर्व मेहता एस जौहर नमित मल्होत्रा अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर और मार्के डिसूजा ने और इस फिल्म को अभिनित किया है रणबीर कपूर अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी राय नागार्जुन अक्कीनेी ने और इस फिल्म को छायांकित किया है बी मणिकंदन पंकज कुमार और सुदीप चटर्जी विकास नौलखा पैट्रिक डिसूजा और इस फिल्म को संपादित किया है प्रकाश कुरूप ने और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम जी ने उत्पादन कंपनी है स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स तो फ्रेंड्स इस फिल्म को वितरित किया है स्टार स्टूडियो ने और यह मूवी रिलीज हुई थी 9 सितंबर 2022 को देश भारत भाषा हिंदी में अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था तीन से चार करोड़ रुपये का तो फ्रेंड्स अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था चार सौ का तो इस फिल्म की कल्पना सबसे पहले मुखर्जी ने 2011 में की जिसके तहत मुख्य तत्व भारतीय इतिहास और बचपन में सुनी कहानियों से प्रेरित थी इसके विकास पहली बार जुलाई दो में और दो के लिए नियोजित रिलीज के साथ सामने आया था लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2017 में हुई जिसमें खुलासा हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र होगा और ये एक त्रयी योगी होगी जो प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक चली जिसमें बुल्गारिया लंदन न्यूयॉर्क शहर एडिनबर्ग थाईलैंड मलानी मुंबई और वाराणसी सहित फिल्मांकन स्थान शामिल थे फिल्म के निर्माण और रिलीज में कई बार देरी हुई पहले उत्पादन में देरी और मैट्रिक मुद्रिक बाधाओं के कारण और बाद में कोविड 19 महामारी के कारण ब्रह्मास्त्र भाग एक शिवा को नाटकीय रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया है यह डिज्नी द्वारा 21वीं सिचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के बाद स्टार स्टूडियोज नाम के तहत रिलीज किया गया है पहला प्रोडक्शन था फिल्म को प्रदर्शन दृश्य प्रभाव साउंड ट्रैक संगीत स्कोर और एक्शन दृश्यों के लिए मिश्रित समीक्षाएँ मिली हैं जबकि आलोचना संवाद की और निर्देशित थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही है दुनिया भर में इसने 431 करोड़ यूएस एस चौवन मिलियन से अधिक की अनुमानित कमाई के साथ यह दो की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है जो सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है और 2022 की फिल्में दो सिक्वेल एक साथ विकसित किए जा रहे हैं और क्रमशः दिसंबर 2026 और दिसंबर 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को हम शुरू करते हैं तो यह कहानी है प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ऊर्जा ब्रह्म शक्ति से टकराता है जो अस्त्र नामक महान शक्ति के कई दिव्य हथियारों का उत्पादन करती है उनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ब्रह्मास्त्र जो दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है अस्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग करते हैं और दुनिया को अस्त्रों की शक्तियों से बचाने के लिए एक गुप्त समाज ब्रह्मास्त्र बना जाते हैं और वर्तमान में मुंबई में शिवा एक डिस्क जाकी को लंदन निवासी ईशा चटर्जी से पहली नज़र में प्यार हो जाता है जो अपने दादा के पंडाल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई है और जल्द ही ईशा प्रतिक्रिया करती है कि और शिवा के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है शिवा उसे बताता है कि वो एक अनाथ है जो अपने पिता को कभी नहीं जानता और वो जब बच्चा था तो सन उन्नीस को उसकी माँ की आग में जलकर मृत्यु हो गई थी इसी बीच दिल्ली में वैज्ञानिक ब्रह्मास्त्र सदस्य मोहन भार्गो पर ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के लिए जोर और रफ्तार द्वारा हमला किया जाता है जिससे वो सुरक्षित रखते हैं मोहन वनरास्त्र का उपयोग करके वापस लड़ते हैं लेकिन अंत में जुनून द्वारा में कर लिया जाता है जो दो देव नामक रहस्यमय बुराई के लिए काम करते हैं जुनून के कब्जे में वो वस मुकुट का उपयोग कर रहा था जो मोहन ने खुलासा किया और ब्रह्मशास्त्र का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में आ, आ, अनीश शेट्टी नामक एक कलाकार और पुरातत्वविद द्वारा संरक्षित किया गया था इससे पहले कि वो ब्रह्मास एक श्रम के वर्तमान स्थान और गुरु को बता सके मोहन खुद को बालकनी से बाहर फेंक देता है और शिव को जुनून के साथ मोहन की मुठभेड़ का आभास होता है क्योंकि उसके एक हाथ में अग्निशास्त्र का एक टुकड़ा बांधा हुआ है और वो शिव किसी तरह उससे लड़ता हुआ जाता है और वो ईशा अनीस को चेतावनी देने के लिए वाराणसी की ओर जाते हैं लेकिन रफ्तार जो अब मोहन के वनरास्त्र का उपयोग करते हैं और उसे बाधित करते हैं शिव और ईसा के साथ भागने से पहले अनीस ने नंदी अस्त्र का उपयोग करके उसे हरा दिया और हिमाचल प्रदेश जाते समय जहाँ एक श्रम स्थित है जो जुनून और जोर एक ट्रक में उनका पीछा करते हैं अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिवा को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए रुकता है लेकिन मारा जाता है फिर रफ्तार द्वारा शिव और ईसा का पीछा किया जाता है जहां शिव ने ईसा को मारने की कोशिश करने के बाद अपनी अग्नि की शक्ति का उपयोग करके उसे मार डाला इस श्रम में वे अन्य अस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिवा को अपने माता पिता के बारे में जानकारी के लिए गुरु रघु द्वारा ब्रह्मास्त्र में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है और वो अन्य नए रंगरूटों रानी रवीना शेर और तेंजिंग से मिलते हैं जिन्हें रघु द्वारा अपने अपने अस्त्रों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और शिवा भी आग पर नियंत्रण हासिल कर लेता है जैसे ही जुनून उनके करीब आता है रघु को पता चलता है कि शिवपूर्ण ब्रह्मास्त्र सदस्यों देव और अमृता का बेटा है देव ने वास्तव में ब्रह्मास्त्र को जागृत किया है क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति थे जो एक कई साथ अस्त्रों को नियंत्रित करने में सक्षम थे देव की पत्नी अमृता यानी कि देव के बच्चे से गर्भवती है जो जलास्त्र चलाती थी एक सुदूर द्वीप पर युद्ध में देव को हरा दिया और वे दोनों युद्ध से नष्ट हो गए थे अमृता की नाव युद्ध के खंडहरों में पाई गई थी जिसे ब्रह्मास्त्र के दो टुकड़े हुए टुकड़े के साथ दीप के वापस लाया गया ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीस दोनों को दिए गए माना जाता है कि तीसरा टुकड़ा गायब था रघु और शिवा ने निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों युद्ध में बच गए हैं ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमृता के माया शास्त्र में शंख के रूप में छिपा हुआ है जिसे रघु शंख पर शिव का रक्त गिराकर छोड़ देते हैं और जुनून और उसी सेना ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंचती है और सभी को बंधक बना लेती है तब शिव ने जुनून को हरा दिया और जोर को भी मार डाला जिसने अनीस के नंदी अस्त्र का उपयोग किया था और सभी को रिहा कर दिया था लेकिन जुनून ईसा ने तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मास्त्र को सक्रिय करने के लिए खुद को बलिदान कर देती है विनाश शुरू हो जाता है और ईशा खतरे में पड़ जाती है लेकिन शिवा ईशा की सुरक्षा से उपजी नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर नियंत्रण हासिल कर लेती है और उसके साथ फिर से जुड़ जाती है क्रेडिट से पहले जुनून द्वारा ब्रह्मास्त्र सक्रिय करने के कारण देव जिसे एक अज्ञात देव पर एक मूर्ति के रूप में कैद किया गया था रिहा कर दिया गया है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो शिव अमृता के देव के बेटे के रूप में रणवीर कपूर एक अनाथ और ब्राह्मण वंश का एक नया सदस्य है जिसके पास अग्निशास्त्र की शक्ति है अग्निशास्त्र का शस्त्र अपने भीतर शिशु शिव के रूप में निवान गुप्ता हैं अमिताभ बच्चन रघु उर्फ गुरु जी के रूप में ब्राह्मणों के गुरु और उनके नेता भी हैं और प्रशास्त्र धारण करते हैं ईसा चटर्जी के रूप में आलिया भट्ट हैं जो लंदन की एक एन आर आई और शिवा की प्रेमिका चरित्र हिंदू देवी पार्वती पर आधारित हैं जुनून के रूप में मौनी राय हैं जो देव की दाहिनी हाथ वाली महिला जो कवचास्त्र का उपयोग करती हैं और ब्रह्मास्त्र का पुनर्जीवित करने और देव को मुक्त करने का लक्ष्य रखती हैं अनीश शेट्टी के रूप में नागार्जुन अक्कीने हैं जो एक कलाकार वास्तुकार पुरातत्वविद और नंदी अस्त चलाने वाले ब्राह्मण वंश के सदस्य हैं डिम्पल कपाड़िया ब्रह्मास की सदस्य हैं सावित्री देवी के रूप में हैं जो शेर के रूप में गुरु फतेह फिर ज्यादा हैं जो ब्राह्मणों का एक नया सदस्य है जो नाग धनुष धारण करता है स्टैनिजन डेलेक् तेंजसिंग के रूप में ब्राह्मणों का एक नया भर्ती व्यक्ति जिसने वनरास्त्र का उपयोग किया था वो पवनास्त्र का उपयोग कर रहा है इस समय लहर खान रवीना के रूप में ब्राह्मणों की एक नई भर्ती जो गजास्त्र का उपयोग करती है रानी के रूप में अदिति जोशी हैं जो ब्राह्मण वंश की एक नई भर्ती हैं जिसके पास आयु मुद्रिका है और संस्था के पास एक मार्कट सोनी है जो ब्रह्मास की एक नई भर्ती है और उनकी तकनीकी आदमी जो चचाच चलाना जानती हैं सौरव गुर्जर जोर के रूप में जुनून का एक गुरगा है जिसने अनीस के नंदी अस्त्र को चुरा लिया था रुल्ला गाजी रफ्तार के रूप में जुनून का एक और गुर्गा है जिसने मोहन से वनरास्त चुराया है चैतन्य शर्मा टाइगर हैं जो शिव के दोस्त के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और साइना के रूप में राशि मल हैं जो ईसा की चचेरी बहन हैं ईसा के चचेरे भाई सनी के रूप में रोहन रुस्तमजी हैं फरीदा देवी मौसी शिवा की मकान मालकिन के रूप में हैं और ईसा के दादा के रूप में रियाज मकानी हैं और मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान एक स्पेसिद्ध खगोल विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक और ब्राह्मण वंश के सदस्य हैं जिनके पास वनरास्त्र था अमृता के रूप में दीपिका पादकोण और शिवा की देव देवपत्नी और जलास्त्र धारण करने वाली ब्राह्मण वंश की पूर्व सदस्य भी हैं तो फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में तो ब्रह्मास्त्र का विचार भाग एक सिवा पहली बार 2011 में मुखर्जी के पास उनकी दूसरी फिल्म ये जवानी है दीवानी 2013 की पठक कथा लिखते समय आया था जब मुखर्जी ने पहली बार जुलाई 2014 में घोषणा की कि वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अक्टूबर 2017 में ब्रह्मास्त्र की आधिकारिक तौर पर निर्माता करण जौहर द्वारा घोषणा की गई थी मुखर्जी को निर्देशक के रूप में साइन किया गया था जबकि रणवीर कपूर आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन अभिनय करने के लिए तैयार थे प्रारंभ में फिल्म का कार्यभार शीर्षक ड्रैगन था लेकिन 2017 में आधिकारिक तौर पर इसका शीर्षक ब्रह्मास्त्र रखा गया था मुखर्जी ने बताया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान ऊर्जा और शक्ति से मेल खाता है जो मुखर्जी ने यह भी बताया कि यह प्राचीन तत्वों वाली एक समकालीन फिल्म है 2017 में करण जौहर ने फिल्म को फिल्म के त्रेई में बनाने की योजना बनाई और इसका खुलासा किया फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 में शुरू की गई थी और एक साक्षात्कार में कपूर ने कहा कि रानी मुखर्जी ने एक मूल कहानी बनाने के लिए अपने जीवन के छः साल कड़ी मेहनत की और यह एक त्रेई दस साल की अवधि में बनाई जाएगी और उन अफवाहों का खंडन किया और यह एक रोमांटिक कहानी है जो सुपर हीरो फिल्म इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक होगी प्रारूप के रूप में एक रोमांटिक कथा है और यह एक फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें सच्चाई ना हो या जो अविश्वसनीय हो तेलुगु फिल्म अभिनेता नागार्जुन ने भी इसकी पुष्टि है कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यह 2003 की फिल्म एल ओ सी कारगिल में उनकी उपस्थिति के बाद 19 साल बाद हिंदी सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक होगी मौनी राय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वो यह फिल्म एकमात्र प्रतिपक्षी हैं जून दो में मुखर्जी ने घोषणा की कि यह फिल्म एक त्रयी फ्रेंचाइजी का हिस्सा होगी और पहली किस्त के रूप में स्ट्रावर्स के तहत एक सिनेमाई ब्रह्मांड जो विभिन्न रहस्यमयी अस्त्रों के आसपास केंद्रित है अगस्त 2022 में रोनित राय ने पुष्टि की है कि फिल्म में शाहरुख खान की एक कैमियों वाली भूमिका थी जिसमें शाहरुख खान की भूमिका फिल्म स्वदेश 2004 के चरित्र पर स्पिन ऑफ है और अन मुखर्जी ने थिएटर रिलीज से पहले साल दो हजार मुखर्जी ने थिएटर रिलीज से नौ साल पहले काम शुरू किया था फ्री प्रोडक्शन का काम 2014 में शुरू हुआ और फिल्मांकन 2018 में शुरू हुआ फरवरी 2018 में बच्चन और कपूर ने मुखर्जी की उपस्थिति में लुक टेस्ट किया था जुलाई 2022 में रानी मुखर्जी जुलाई 2022 जी द्वारा विभिन्न अस्त्रों के रहस्यमय ब्रह्मांड को समझाते हुए एक वीडियो जारी किया गया था और उन्होंने बताया कि कैसे ब्रह्म शक्ति से अस्त्रों का जन्म हुआ जो प्राकृतिक में पाई जाने वाली सभी विभिन्न ऊर्जाओं जैसे जलास्त्र पवनास्त्र शास्त्र का निर्माण करते हैं और उन्होंने अस्त्रों के बारे में भी बात की जो विभिन्न जानवरों की शक्तियों को संग्रहित करते हैं जैसे वनरास्त्र जो इसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को दिव्य बंदर की शक्ति दे सकता है और नंदी शस्त्र जिसमें एक हज़ार बैल की शक्ति और ताकत होती है वो अपने ब्रह्मांड से निकलने वाला अंतिम अस्त्र ब्रह्म शक्ति की सामूहिक शक्ति को लेकर जिसे सभी अस्त्रों का स्वामी कहा जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं या देवों के सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार में से एक बताया गया है ब्रह्मास्त्र मुखर्जी ने कहा कि मूल विचार हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों से प्रेरित था जो उन्होंने बचपन में अपने दादा से सुनी थी रायन मुखर्जी ने खुलासा किया कि अभिनेता कपूर के चरित्र के पिछले चरित्र पीछे का प्रेरणा रूमी से मिली है जिन्होंने उनके चरित्र के लिए पहले लुक को भी प्रेरित किया है और कानून मुखर्जी ने फिल्म की नवी न्यू बनाने के लिए रूमी के काम प्यार आपके हर चीज़ के बीच का पुल है जिसे प्रेरणा ली है और बाद में उन्होंने खुलासा किया है कि रूमी प्रेरित लुक को हटा दिया गया था और कपूर ने इसके बजाय बाल कटवा लिए थे कपूर ने फिल्म के लिए लुक पोस्ट के अपने अनुभव का खुलासा करते हुए कहा कि यह एक कठिन काम है चिपकाना लगाना हटाना हटाना और दोबारा लगाना जब तक कि कोई निर्णय ना आ जाए तो फैंस इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2018 में 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया था फिल्मांकन का दूसरा शेड्यूल उक्त देश में जारी रहा और फिर 8 जुलाई 2018 को लंदन जुलाई के अंत में न्यूयॉर्क और फिर महीने के अंत तक बुल्गारिया वापस एक फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में व्यापक शूटिंग शुरू हुई थी और 20 दिवसीय कार्यक्रम 30 जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले के, के और चेत सिंह किले में शुरू हुआ था फिल्मांकर मार्च 2022 में फिल्मांकन 2020 में कोविड 19 महामारी के कारण रोक दिया गया था और बाद में नवंबर में फिर से शुरू हुआ था और दो हज़ार बीस और फिल्मांकर उनतीस मार्च दो को वाराणसी में पूरा हुआ एस एस राजामौली के पिता के वी भी विजेंद्र प्रताप ने मुखर्जी के सामने फिल्म में कुछ बदलाव का प्रस्ताव रखा जिसके बाद चार दिनों तक दोबारा शूटिंग की गई और ये भी बताया गया कि फ़िल्म का उत्पादन बजट 410 करोड़ यू एस इक्यावन मिलियन था जो इसे रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक और अब तक की सबसे महंगी हिंदी फिल्म बना देगा हालांकि मुख्य अभिनेता रणबीर कपूर ने बाद में यह स्पष्ट किया कि इस बजट की फ्रेंचाइजी सभी तीन मुख्य किस्तों के निर्माण के लिए थी जो पहली बार फिल्म के निर्माण के दौरान बनाई गई संपत्ति का उपयोग भविष्य की किस्तों में किया जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन में अनुमान लगाया गया है कि निर्माताओं ने वी एफ एक्स पर एक सौ पचास करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इस फिल्म का वी एफ एक्स काम डी एन ई जी प्राइम फोकस कंपनी द्वारा किया गया है संपादन की देखरेख प्रकाश कुरूप ने की है प्रीतम के नेतृत्व में जाम आर्ट संगीत और ध्वनि डिजाइन स्टूडियो ने ध्वनि प्रभाव प्रदान किया है बी एफ एक्स स्टूडियो डी एन ई जी और रिफाइनी विदेशी टीम ने दृश्य प्रभाव तैयार किए हैं चिरंजीवी ने तेलुगु संस्करण के लिए आवाज़ दी है और रणवीर और आलिया ने सितंबर 2020 में बांदा के एक स्टूडियो में अपनी डबिंग हिस्से की शूटिंग की है और इस फिल्म में प्रीतम प्रसाद रास्ते और जिसमें सत्या मेक दी बोस और तनुज टीकू और केतन सोढ़ा के साथ बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया गया है साउंड ट्रैक तैयार करते समय जबकि गाने ब्रिटिश संगीतकार स्टील बैंगलेज द्वारा निर्मित और मिश्रित किए गए हैं अमिताभ बच्चन द्वारा लिखे गए गीतों और अमिताभ द्वारा लिखे गए गीतों के साथ भट्टाचार्य स्कोर स्क्रीनों स्टेज बयान में रिकॉर्ड किया गया था फिल्म का शीर्षक साउंड ट्रैक एल्बम आधिकारिक तौर पर 6 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर स्टीमिंग प्रारूपों और डिजिटल खुदरा विक्रेताओं के लिए जारी किया गया था ब्रह्मास्त्र भाग एक सिवा दो की सबसे प्रशिक्षित हिंदी रिलीज में से एक थी फिल्म का शीर्षक लोगों को चार मार्च दो को सामने आया उसी दिन कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर इसका अनावरण किया गया था इसे बनाने के लिए आकाश को रोशन करने के लिए 150 ड्रोन का उपयोग किया गया था ब्रह्मास्त्र का आधिकारिक लोगों ने 6 मार्च 2019 को जारी किया था जबकि एस एस राजा मौली को इसकी दक्षिण भारतीय भाषा संस्करणों के लिए फिल्म के प्रस्तुतकर्ता के रूप में काम करते हुए और धनुष ने इसे तेलुगु तमिल मलयालम और प्रस्तुत किया था जिसे मार्च 2019 को कन्नड़ संस्करण एक बयात बयालीस सेकेंड मोशन लोगों में भी जारी किया गया था जिसमें बच्चन का वॉयस ओवर था इसके अलावा बारह मार्च को मौसम लोगों के लिए संगीत स्कोर बनाने का एक प्रचारमत प्रचारात्मक पर्दे के पीछे का वीडियो जारी किया गया था जिसमें फिल्म के संगीतकार प्रीतम शामिल थे पाँच अप्रैल 2019 को शीर्षक लोगों के आकाश में अनावरण के निष्पादन का प्रचारात्मक पर्दे के पीछे का वीडियो जारी किया गया था और कपूर के तत्कालीन अज्ञात चरित्र की विशेषता वाला एक मोशन पोस्टर 14 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था अगले दिन उनके चरित्र शिव की विशेषता वाला एक और मोशन पोस्टर 15 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था जबकि एक प्रशंसक पोस्टर लॉन्च के समर्थन में नई दिल्ली में कुछ घंटे पहले कार्यक्रम आयोजित किया गया था और फिल्म के स्टीमिक पार्टनर डिजनी प्लस हॉट स्टार ने अपने प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर इसका सीधा प्रसारण किया था और 19 दिसंबर 2021 को मोशन प्रोडक्शन के तहत तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ संस्करणों को लॉन्च करने के लिए हैदराबाद एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 16 मार्च 2022 को एक पोस्टर और भट्ट के चरित्र ईसा का पहला प्रस्तावना जारी किया था जिसे 26 मार्च 2022 को मुखर्जी कपूर और भट्ट को चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आई के उद्घाटन मैच के दौरान स्टार स्पोर्ट के पोस्ट क्रिकेट शो के हिस्से के रूप में बयाजू के क्रिकेट लाइव सेगमेंट में दिखाया गया था जबकि कपूर दिखाई दिए थे और खेल की घोषणा एक टेलीविजन विज्ञापन की फिल्म के समापन की स्मृति में एक प्रचार घोषणा और वीडियो उनतीस मार्च दो को जारी किया गया था जिसे दस अप्रैल दो को कपूर और भट्ट के पात्रों की विशेषता वाला एक मोशन प्रोडक्शन और गाने पर सेट किया गया था केसरिया अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया था एक स्थित संस्करण के साथ रिलीज किया गया था और उक्त गीत के तेलुगु संस्करण का टीजर शीर्षक कुकुमूला जिसका शीर्षक कुकुमाला है जिसे सिट श्रीराम ने गाया है और सत्ताईस मई 2022 को राजा मौली द्वारा जारी और प्रस्तुत किया गया था जिसे 31 मई 2022 को फिल्म का टीजर ट्रेलर जारी किया गया था जिसमें आधिकारिक ट्रेलर की रिलीज तिथि का भी खुलासा किया गया था इसकी रिलीज के समर्थन में विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम और प्रशंसक मीट एंड ग्रीट आयोजित किया गया था बच्चन के चरित्र गुरु और नागार्जुन के चरित्र अनीस का फर्स्ट पुष्ट जून के दूसरे सप्ताह के दौरान जारी किया गया था और 13 जून 2022 को एक घोषणा का वीडियो जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि अभिनेता चिरंजीवी फिल्म के तेलुगु डब संस्करण के लिए कपूर के चरित्र शिवा को अपनी आवाज़ देंगे और अपने अगले दिन राय के चरित्र जुनून का फर्स्ट पुष्ट लोक पोस्टर जारी किया जिसे 15 जून 2022 को फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया था इसके समर्थन में एक कार्यक्रम के साथ जिसमें मुंबई में रिलीज के एक दिन पहले ट्रेलर की पूर्वलोकन स्क्रीनिंग शामिल है ट्रेलर का फोर के संस्करण चार दिन बाद जारी किया गया था जिसे तेरह जुलाई दो को द विजन ऑफ ब्रह्मास्त्र नामक एक प्रमोशनल पिक्चर जिसमें मुखर्जी ने एक्ट एस्ट्रावर्स नामक विभिन्न शास्त्रों के रहस्यमी ब्रह्मांड की व्याख्या की है और इसके पीछे की रचनात्मक दृष्टि को जारी किया गया है जिसे 17 जुलाई 2022 को रिलीज होने के कुछ घंटे पहले गीत केसरिया का अनावरण भट्ट और मुखर्जी द्वारा इंस्टाग्राम पर आयोजित एक लव लाइव स्ट्रीमिंग में किया गया था जिसमें उन्होंने ट्रैक के निर्माण के बारे में भी चर्चा की थी और 31 जुलाई 2022 को विभिन्न शास्त्रों के दृश्यों वाला एक इंस्टाग्राम फिल्टर जारी किया गया था जिसमें 6 अगस्त 2022 को एक पिक्चर जारी किया गया था जिसमें मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र त्रयी के लिए अपने दृष्टिकोण की शुरुआत से भाग एक सिवा तक की पूरी यात्रा और प्रक्रिया को साझा किया था फिल्म के साउंड ट्रैक के दूसरे गाने देवा देवा की एक थ्री पूर्व लोकन स्क्रीनिंग जिसे सिंह ने गाया था उस दिन भी मुंबई में आयोजित की गई थी सिंगल की रिलीज से दो दिन पहले अगस्त के दूसरे सप्ताह में यूट्यूब प्रीमियम के सहयोग से आप पार्टी लाइव स्ट्रीमिंग के प्रचार के लिए फिल्म के गानों की होर्डिंग्स न्यूयॉर्क सिटी और एल में लगाए जाए थे जिसे 18 अगस्त को सेवा पर आयोजित करने की घोषणा की गई थी जिसे 17 अगस्त 2022 को एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें मुखर्जी ने फिल्म के पीछे अपनी प्रेरणाओं के बारे में बताया जो बचपन में उनके द्वारा सुने गए किस्सों से जुड़ा हुआ था एक दिन के बाद पहले छेड़ा गया अपार्ट पार्टी लाइव स्ट्रीमिंग शस्त्र जिसे विशेष रूप से यूट्यूब प्रीमियम के माध्यम से सोनी म्यूजिक इंडिया के चैनल पर फिल्म के तीसरे गाने डांस का भूत समर्थन में मुखर्जी कपूर और भट्ट के साथ हुआ था प्रशंसकों के साथ बातचीत करना और फिल्म के संगीत निर्माण और प्रचार अभियान पर चर्चा करना कपूर के चरित्र का एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें गाने की पृष्ठभूमि संगीत के एक अंश के साथ साथ संगीत वीडियो को छेड़ा गया था जिसे 24 अगस्त 2022 को कपूर राजा मौली और नागार्जुन के नेतृत्व में चेन्नई में फिल्म के समर्थन में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसे 27 अगस्त 2022 को आईआईटी बॉम्बे में कपूर और भट्ट के साथ एक प्रमोशनल शिखर सम्मेलन के साथ साथ एक मुलाकात और अभिवादन आयोजित किया गया था जिसमें एक फ्री रिलीज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी जिसे 2 सितंबर 2022 को रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में आयोजित होने वाला था जिसमें अभिनेता जूनियर एन विशेष अतिथि होंगे और हालांकि अज्ञात कारणों से इसे अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था 30 अगस्त 2022 को फिल्म से कपूर के चरित्र सिवा के कुछ अंशों वाली एक क्लिप साझा की जो दस दिनों की उल्टी गिनती के हिस्से के रूप में थी जो तीस अगस्त से आठ सितंबर तक चली थी फिल्म की रिलीज के लिए काउंटडाउन के हिस्से के रूप में एक क्लिप जारी की गई थी जिसमें अगले दिन बच्चन ने चरित्र गुरु को दिखाया जिसमें मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने रिलीज की तारीख के रूप में 9 सितंबर 2022 को चुना क्योंकि उनका मानना है कि उनकी भाग्यशाली संख्या कपूर और भट्ट से स्पाइटिफाई इंडिया के एक विज्ञापन अभियान में एक साथ अभिनय किया जिसे फिल्म के सहयोग में जारी किया गया था जिसमें फिल्म के दो गाने के सरिया और डांस का भूत शामिल था एक सितंबर 2022 को विजन ऑफ ब्रह्मास्त्र फीचर के तेलुगू तमिल और कन्नड़ संस्करण में जारी किया गया था जिसमें राजा मौली एस्ट्रावर्स के विषयों को समझाते हुए फिल्म की रिलीज़ की उल्टी गिनती वनरास्त्र पर परिचय देने वाली एक क्लिप के साथ जारी की जो उसी दिन रिलीज हुई मीडिया आउस अलाउलेट से अनुमान लगाया गया है कि शाहरुख खान की पुष्टि की गई कैमियों की उपस्थिति का हिस्सा 3 सितंबर 2022 को सिनेमाई घरों की टिकटों की अग्रिम बुकिंग करने की घोषणा के लिए हिंदी तेलुगू और तमिल के एक फ्री रिलीज प्रेमियों जारी किया गया था जिसे 4 सितंबर को फिल्म के एक्शन दृश्यों और उनके फिल्मांकन और कोरियो का एक फीचर साझा किया गया था छह सितंबर दो को फिल्म की थ्री डी फैन प्रीव्यू स्क्रीनिंग की घोषणा की गई जो फिल्म की रिलीज के एक दिन पहले 8 सितंबर को कपूर और भट्ट की मुखर्जी के साथ मुंबई में आयोजित की गई थी टिकट पीवीआर वी सिनेमाज के वेब स्टोज पर उपलब्ध थी और घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर बिक भी गए थे फिल्म के प्रचार के लिए नई दिल्ली में मुखर्जी और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ एक प्रशंसक मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया था और ब्रह्मास्त्र भाग वन शिवा को नौ सितंबर 2022 को मानक प्रारूप 3D डी आई मैक्स थ्री डी आई फोर में रिलीज किया गया था ये फिल्म भारत में स्टार स्टूडियो द्वारा हिंदी तमिल तेलुगु, मलयालम कन्नड़ भाषाओं में रिलीज की गई थी तेलुगु फ़िल्म निर्देशक एस एस राजा मौली के बाद चार दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब संस्कृत प्रस्तुत किए गए थे डिजनी द्वारा इक्कीसवीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण और फॉक्स स्टार स्टूडियो की रिबांडिंग के बाद यह स्टार स्टूडियो नाम से रिलीज हुई पहली फिल्म थी यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बीसवीं सेंचुरी स्टूडियोज द्वारा और दुनिया भर में उसी दिन वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी इसने भारत में पाँच सौ स्क्रीनों से अधिक यानी कि इसे भारत में पाँच हज़ार स्क्रीनों पर अपने विदेशों में तीन हजार स्क्रीनों पर दुनिया भर में कुल आठ हज़ार स्क्रीनों पर दिखाया गया था जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी स्क्रीन थी फिल्म ने अपनी रिलीज से एक दिन पहले आठ सितंबर दो हज़ार बाईस को संयुक्त राज्य अमेरिका में भुगतान पूर्वलोकन की योजना बनाई थी फिल्म को मूल रूप से तेईस दिसंबर 2016 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी लेकिन उत्पादन में देरी और मौद्रिक बाधाओं के कारण बाद में कोविड 19 महामारी के कारण कई वर्षों की देरी हुई अक्टूबर 2017 में फिल्म को 15 अगस्त 2019 को रिलीज करने की घोषणा थी फिल्म के दृश्य प्रभाव और संगीत पर लंबित काम के कारण ब्रह्मास्त्र को क्रिसमस 2019 और फिर 2020 की गर्मियों तक बढ़ाया दिया गया था फरवरी 2020 में इसकी रिलीज की तारीख 4 दिसंबर 2020 की घोषणा की गई थी हालांकि भारत में कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो गई थी दिसंबर 2021 में 9 सितंबर 2022 की अंतिम रिलीज की तारीख की घोषणा की गई और दो सितंबर दो को स्टार इंडिया द्वारा दायर एक मुकदमे के बाद दिल्ली उच्चारण ने एक अंतरिम आदेश के तहत अट्ठारह अरविंद हा पायरेसी वेबसाइटियों को इंटरनेट पर फिल्म को अवैध रूप से स्ट्रीम करने के लिए रोक दिया गया था और इस फिल्म के विवाद के बारे में भी हम बताते चलें तो रिलीज से पहले दक्षिणापंथी हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा फिल्म का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था जो बॉलीवुड की सभी फिल्मों का विरोध कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्योग में हिंदू विरोधी भावनाएं प्रचलित थीं कपूर का एक पुराना साक्षात्कार जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि उन्हें गोमांस खाना पसंद है जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से लोकप्रियता मिली गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है परिणाम स्वरूप हिंदू राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल के सदस्यों ने कपूर और आलिया भट्ट को उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करने से रोक दिया था और इसे 17 सितंबर 2022 को डिजनी के अंतर्राष्ट्रीय सामग्री और संचालन के अध्यक्ष रिबेका कैपेल ने डिजनी प्लस हर्स्ट स्टार की सफलता के बारे में द इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए पुष्टि की कि फिल्म यूएस में हुलू लैटिन अमेरिका में स्टार प्लस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजनी प्लस स्टीमिंग होगी फिल्म का डिजिटल प्रीमियम चार नवंबर दो को अमेरिका में हुलू और भारत और समग्र एशिया में डिजनी प्लस हाथ स्टार पर हुआ है उसी दिन फिल्म का एक अंग्रेजी डब भी जारी किया गया था फिल्म अपने अंग्रेजी डब के साथ साथ दिसंबर 2022 को डिजनी प्लस हाथ स्टार पर रिलीज हुई थी की पहली किस्त के रूप में कार्य करती है जिसमें वह स्वयं स्ट्रावर्स नाम सिनेमाई ब्रह्मांड का हिस्सा बनने की योजना है और इसमें अमिताभ बच्चन कपूर आलिया भट्ट मौनी राय और अक्की ने नागार्जुन सहित कलाकारों की टोली शामिल है जबकि शाहरुख खान और दीपिका पातकोट कैमियो भूमिका में दिखाई देती हैं फिल्म के गाने प्रीतम द्वारा रचित हैं और साउंड ट्रैक गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों से प्रेरणा लेते हुए कहानी शिवा पर आधारित है जो आतिशबाजी शक्तियों से युक्त एक अनाथ संगीतकार है जिसे पता चलता है कि वो एक अस्त्र है जो विशाल ऊर्जा का एक हथियार भी है और वो सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रम्हास्त को उन अघोरी ताकतों के हाथों में पकड़ने से रोकने का प्रयास करता है जिनका इतिहास उनके साथ साझा है तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने और इस फिल्म को लिखा है अयान मुखर्जी हुसैन दलाल ने उत्पादित किया है करण जौहर अपूर्व मेहता हीरो जौहर नमित मल्होत्रा अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर और मारिके डिसूजा ने और इस फिल्म को अभिनीत किया है रणबीर कपूर अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी राय नागार्जुन अक्कीनेी ने और इस फिल्म को छांकित किया है बी मणिकंदन पंकज कुमार और सुदीप चटर्जी विकास नौलखा पैट्रिक डेसूजा और इस फिल्म को संपादित किया है प्रकाश कुरूप ने और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम जी ने उत्पादन कंपनी है स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टायर लाइट पिक्चर्स तो फ्रेंड्स इस फिल्म को वितरित किया है स्टार स्टूडियो ने और यह मूवी रिलीज हुई थी 9 सितंबर 2022 को देश भारत भाषा हिंदी में अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 375 से 400 करोड़ रुपए का तो फ्रेंड्स अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था चार सौ का तो इस फिल्म की कल्पना सबसे पहले मुखर्जी ने दो में की जिसके तहत मुख्य तत्व भारतीय इतिहास और बचपन में सुनी कहानियों से प्रेरित थी इसके विकास पहली बार जुलाई 2014 में और 2016 के लिए नियोजित रिलीज के साथ सामने आया था लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2017 में हुई जिसमें खुलासा हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र होगा और यह एक त्रयी योगी होगी जो प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक चली जिसमें बुल्गारिया लंदन न्यूयॉर्क शहर एडिनबर्ग थाईलैंड, मलानी मुंबई और वाराणसी सहित फिल्मांकन स्थान शामिल थे फिल्म के निर्माण और रिलीज में कई बार देरी हुई पहले उत्पादन में देरी और मैट्रिक मौद्रिक बाधाओं के कारण और बाद में कोविड उन्नीस महामारी के कारण ब्रह्मास्त्र भाग एक शिवा को नाटकीय रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया है यह डिजनी द्वारा इक्कीसवीं सेचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के बाद स्टार स्टूडियोज नाम के तहत रिलीज किया गया है पहला प्रोडक्शन था फिल्म को प्रदर्शन दृश्य प्रभाव साउंड ट्रैक संगीत स्कोर और एक्शन दृश्यों के लिए मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं जबकि आलोचना संवाद की और निर्देशित थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही है दुनिया भर में इसने चार करोड़ यू एस मिलियन से अधिक की अनुमानित कमाई के साथ यह दो की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है जो सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है और 2022 की फिल्में दो सीक्वल एक साथ विकसित किए जा रहे हैं और क्रमशः दिसंबर 2026 और दिसंबर 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को हम शुरू करते हैं तो यह कहानी है प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ऊर्जा शक्ति से टकराता है जो अस्त्र नामक महान शक्ति के कई दिव्य हथियारों का उत्पादन करती है उनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ब्रह्मास्त्र जो दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है अस्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग करते हैं और दुनिया को अस्त्रों की शक्तियों से बचाने के लिए एक गुप्त समाज ब्रह्मास्त्र बना जाते हैं और वर्तमान में मुंबई में शिवा एक डिस्क जाकी को लंदन निवासी ईशा चटर्जी से पहली नज़र में प्यार हो जाता है जो अपने दादा के पंडाल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई है और जल्द ही ईशा प्रतिक्रिया करती है कि और शिवा के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है शिवा उसे बताता है कि वो एक अनाथ है जो अपने पिता को कभी नहीं जानता और वो जब बच्चा था तो सन उन्नीस को उसकी माँ की आग में जलकर मृत्यु हो गई थी इसी बीच दिल्ली में वैज्ञानिक ब्रह्मास्त्र सदस्य मोहन भार्गो पर ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के लिए जोर और रफ्तार द्वारा हमला किया जाता है जिससे वो सुरक्षित रखते हैं मोहन वनरास्त्र का उपयोग करके वापस लड़ते हैं लेकिन अंत में जुनून द्वारा वश में कर लिया जाता है जो दो देव नामक रहस्यमय बुराई के लिए काम करते हैं जुनून के कब्जे में वो वश मुकुट का उपयोग कर रहा था जो मोहन ने खुलासा किया और ब्रह्मशास्त्र का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनीस सेट्टी नामक एक कलाकार और पुरातत्वविद द्वारा संरक्षित किया गया था इससे पहले कि वो ब्रह्मास एक श्रम के वर्तमान स्थान और गुरु को बता सके मोहन खुद को बालकनी से बाहर फेंक देता है और शिव को जुनून के साथ मोहन की मुठभेड़ का आभास होता है क्योंकि उसके एक हाथ में अग्निशास्त्र का एक टुकड़ा बांधा हुआ है और वो शिव किसी तरह उससे लड़ता हुआ जाता है और वो ईसा अनीस को चेतावनी देने के लिए वाराणसी की ओर जाते हैं लेकिन रफ्तार जो अब मोहन के वनरास्त का उपयोग करते हैं और उसे बाधित करते हैं शिव और ईसा के साथ भागने से पहले अनीस ने नंदी अस्त्र का उपयोग करके उसे हरा दिया और हिमाचल प्रदेश जाते समय जहां एक श्रम स्थित है जो जुनून और जोर एक ट्रक में उनका पीछा करते हैं अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिवा को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए रुकता है लेकिन मारा जाता है फिर रफ्तार द्वारा शिव और ईशा का पीछा किया जाता है जहां शिव ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अपनी अग्नि की शक्ति का उपयोग करके उसे मार डाला इस श्रम में वे अन्य अस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिवा को अपने माता पिता के बारे में जानकारी के लिए गुरु रघु द्वारा ब्रह्मास्त्र में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है और वो अन्य नए रंगरूटों रानी रवीना शेर और तेंजिंग से मिलते हैं जिन्हें रघु द्वारा अपने अपने अस्त्रों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और शिवा भी आग पर नियंत्रण हासिल कर लेता है जैसे ही जुनून उनके करीब आता है रघु को पता चलता है कि पूर्ण ब्रह्मास्त्र सदस्यों देव और अमृता का बेटा है देव ने वास्तव में ब्रह्मास्त्र को जागृत किया है क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति थे जो एक कई साथ अस्त्रों को नियंत्रित करने में सक्षम थे देव की पत्नी अमृता यानी कि देव के बच्चे से गर्भवती है जो जलास्त्र चलाती थी एक सुदूर द्वीप पर यु, युद्ध में देव को हरा दिया और वे दोनों युद्ध से नष्ट हो गए थे अमृता की नाव युद्ध के खंडहरों में पाई गई थी जिसे ब्रह्मास्त्र के दो टुकड़े हुए टुकड़े के साथ द्वीप के वापस लाया गया ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीश दोनों को दिए गए माना जाता है कि तीसरा टुकड़ा गायब था रघु और शिवा ने निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों युद्ध में बच गए हैं ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमृता के माया शास्त्र में शंख के रूप में छिपा हुआ है जिसे रघु शंख पर शिव का रक्त गिराकर छोड़ देते हैं और जुनून और उसी सेना ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुँचती है और सभी को बंधक बना लेती है तब शिव ने जुनून को हरा दिया और जोर को भी मार डाला जिसने अनीस के नंदी अस्त्र का उपयोग किया था और सभी को रिहा कर दिया था लेकिन जुनून ईशा ने तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मास्त्र को शक्ति करने के लिए खुद को बलिदान कर देती है विनाश शुरू हो जाता है और ईशा खतरे में पड़ जाती है लेकिन शिवा ईशा की सुरक्षा से उपजी नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर नियंत्रण हासिल कर लेती है और उसके साथ फिर से जुड़ जाती है क्रेडिट से पहले जुनून द्वारा ब्रह्मास्त्र सक्रिय करने के कारण देव जिसे एक अज्ञात द्वीप पर एक मूर्ति के रूप में कैद किया गया था रिहा कर दिया गया है तो फिर आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो शिव अमृता के देव के बेटे के रूप में रणवीर कपूर एक अनाथ और ब्राह्मण वंश का एक नया सदस्य है जिसके पास अग्निशास्त्र की शक्ति है अग्निशास्त्र का शस्त्र अपने भीतर शिशु शिव के रूप में निवान गुप्ता हैं अमिताभ बच्चन रघु उर्फ गुरु जी के रूप में ब्राह्मणों के गुरु और उनके नेता भी हैं और प्रशास्त्र धारण करते हैं ईशा चटर्जी के रूप में आलिया भट्ट हैं जो लंदन की एक एन आर आई और शिवा की प्रेमिका चरित्र हिंदू देवी पार्वती पर आधारित हैं जुनून के रूप में मौनी राय हैं जो देव की दाहिनी हाथ वाली महिला जो कवचास्त्र का उपयोग करती हैं और ब्रह्मास्त्र का पुनर्जीवित करने और देव को मुक्त करने का लक्ष्य रखती हैं अनीस शेट्टी के रूप में नागार्जुन अक्कीने हैं जो एक कलाकार वास्तुकार पुरातत्वविद और नंदी अस्त्र चलाने वाले ब्राह्मण वंश के सदस्य हैं डिम्पल कपाड़िया ब्रह्मास्त्र की सदस्य हैं सावित्री देवी के रूप में हैं जो शेर के रूप में गुरफतेह फिर ज्यादा हैं जो ब्राह्मणों का एक नया सदस्य है जो नाग धनुष धारण करता है स्टैनिजन डेलेक् तेंजसिंग के रूप में ब्राह्मणों का एक नया भर्ती व्यक्ति जिसने वनरास्त्र का उपयोग किया था वो पवनास्त्र का उपयोग कर रहा है इस समय लहर खान रवीना के रूप में ब्राह्मणों की एक नई भर्ती जो गजास्त्र का उपयोग करती है रानी के रूप में अदिति जोशी हैं जो ब्राह्मण वंश की एक नई भर्ती हैं जिसके पास आयु मुद्रिका है और संस्था के पास एक मार्कट सोनी है जो ब्रह्मास की एक नई भारती है और उनकी तकनीकी आदमी जो चचाक चलाना जानती हैं सौरव गुर्जर जोर के रूप में जुनून का एक गुर्गा है जिसने अनीस के नंदी अस्त्र को चुरा लिया था रुल्लाह गाजी रफ्तार के रूप में जुनून का एक और गुर्गा है जिसने मोहन से वनरास्त चुराया है चैतन्य टाइगर हैं जो शिव के दोस्त के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और साइना के रूप में राशि मल हैं जो ईसा की चचेरी बहन हैं ईसा के चचेरे भाई सनी के रूप में रोहन जी हैं फरीदा देवी मौसी शिवा की मकान मालकिन के रूप में हैं और ईसा के दादा के रूप में रियाज मकानी हैं और मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान एक स्पेसिद खगोल विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक और ब्राह्मण वंश के सदस्य हैं जिनके पास वनरास्त्र था अमृता के रूप में का पादकोण और शिवा की मां देव पत्नी और जलास्त्र धारण करने वाली ब्राह्मण वंश की पूर्व सदस्य भी हैं तो फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में तो ब्रह्मास्त्र का विचार भाग एक शिवा पहली बार दो में मुखर्जी के पास उनकी दूसरी फिल्म ये जवानी है दीवानी 2013 की पठक कथा लिखते समय आया था जब मुखर्जी ने पहली बार जुलाई 2014 में घोषणा की कि वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अक्टूबर 2017 में ब्रह्मास्त्र की आधिकारिक तौर पर निर्माता करण जौहर द्वारा घोषणा की गई थी मुखर्जी को निर्देशक के रूप में साइन किया गया था जबकि रणवीर कपूर आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन अभिनय करने के लिए तैयार थे प्रारंभ में फिल्म का कार्यभार शीर्षक ड्रैगन था लेकिन 2017 में आधिकारिक तौर पर इसका शीर्षक ब्रह्मास्त्र रखा गया था मुखर्जी ने बताया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान ऊर्जा और शक्ति से मेल खाता है जो मुखर्जी ने यह भी बताया कि यह प्राचीन तत्वों वाली एक समकालीन फिल्म है 2017 में करण जौहर ने फिल्म को फिल्म के त्रयी में बनाने की योजना बनाई और इसका खुलासा किया फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 में शुरू की गई थी और एक साक्षात्कार में कपूर ने कहा कि रानी मुखर्जी ने एक मूल कहानी बनाने के लिए अपने जीवन के छः साल कड़ी मेहनत की और यह एक तय दस साल की अवधि में बनाई जाएगी और उन अफवाहों का खंडन किया और यह एक रोमांटिक कहानी है जो सुपर हीरो फिल्म इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक होगी प्रारूप के रूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह एक फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें सच्चाई ना हो या जो अविश्वसनीय हो तेलुगु फिल्म अभिनेता नागार्जुन ने भी इसकी पुष्टि है कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ये 2003 की फिल्म एलओसी कारगिल में उनकी उपस्थिति के बाद उन्नीस अयान मुखर्जी ने थिएटर रिलीज से नौ साल पहले काम शुरू किया था फ्री प्रोडक्शन का काम 2014 में शुरू हुआ और फिल्मांकन 2018 में शुरू हुआ फरवरी 2018 में बच्चन और कपूर ने मुखर्जी की उपस्थिति में लुक टेस्ट किया था जुलाई 2022 में रानी मुखर्जी जुलाई 2022 हज़ार जी द्वारा विभिन्न अस्त्रों के रहस्यमयी ब्रह्मांड को समझाते हुए एक वीडियो जारी किया गया था और उन्होंने बताया कि कैसे ब्रह्म शक्ति से अस्त्रों का जन्म हुआ जो प्राकृतिक में पाई जाने वाली सभी विभिन्न ऊर्जाओं जैसे जलास्त्र पवनास्त्र अग्निशास्त्र का निर्माण करते हैं और उन्होंने अस्त्रों के बारे में भी बात की जो विभिन्न जानवरों की शक्तियों को संग्रहित करते हैं जैसे वनरास्त्र जो इसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को दिव्य बंदर की शक्ति दे सकता है और नंदी शस्त्र जिसमें एक हज़ार बैल की शक्ति और ताकत होती है वो अपने ब्रह्मांड से निकलने वाला अंतिम अस्त्र शक्ति की सामूहिक शक्ति को लेकर जिसे सभी अस्त्रों का स्वामी कहा जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं या देवों के सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार में से एक बताया गया है ब्रह्मास्त्र मुखर्जी ने कहा कि मूल विचार हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों से प्रेरित था जो उन्होंने बचपन में अपने दादा से सुनी थी रायान मुखर्जी ने खुलासा किया कि अभिनेता कपूर के चरित्र के पिछले चरित्र पीछे का प्रेरणा रूमी से मिली है जिन्होंने उनके चरित्र के लिए पहले लुक को भी प्रेरित किया है और कानून मुखर्जी ने फिल्म की नवी न्यू बनाने के लिए रूमी के काम प्यार आपके हर चीज़ के बीच का पुल है जिसे प्रेरणा ली है और बाद में उन्होंने खुलासा किया है कि रूमी प्रेरित लुक को हटा दिया गया था और कपूर ने इसके बजाय बाल कटवा लिए थे कपूर ने फिल्म के लिए लुक पोस्ट के अपने अनुभव का खुलासा करते हुए कहा कि यह एक कठिन काम है चिपकाना लगाना हटाना हटाना और दोबारा लगाना जब तक कि कोई निर्णय न आ जाए तो फैंस इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2018 में 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया था फिल्मांकन का दूसरा शेड्यूल उक्त देश में जारी रहा और फिर 8 जुलाई 2018 को लंदन जुलाई के अंत में न्यूयॉर्क और फिर महीने के अंत तक बुल्गारिया वापस 1 फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्काटलैंड में व्यापक शूटिंग शुरू हुई थी और 20 दिवसीय कार्यक्रम तीस जुलाई दो को वाराणसी के रामनगर किले के, के और चेत सिंह किले में शुरू हुआ था फिल्मांकन मार्च दो में